हेलो भाई, लाइट गेमिंग रिजेप पराशर। हेलो। हाँ भाई, तू फर्स्ट है लिट गेमिंग। मैं आया। हाँ भाई, संदेश खतिवाड़ा। हेलो भाई, रिजय एलिट गेमिंग फर्स्ट, रिजय सेकंड। फर्स्ट लाइकर संदेश, फर्स्ट लाइक किया, थैंक यू भाई। करण हेलो, राकेश दास हेलो, रीक फारिस हमरान, क्लैश विद आरजे, कैसे हो? बढ़िया हूँ भाई, तू कैसा है? करण श्रेष्ठ, आई लाइक फर्स्ट। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, तुम्हारा है उजैर अंसारी, तुम्हारा है फर्स्ट लाइक। अच्छी बात है यार, लगा लूंगा यार, चश्मा भी लगा लूंगा, क्या बात करते हो। रुक जाओ, थोड़ा माहौल बनने दो। विवेक सिंह हेलो भाई, मुझे अपने क्लैन में इनवाइट करो। ये पहली बात तो ये मेरा क्लैन है नहीं, और ये क्लैन चेंज करने का टाइम हो गया है, मैं किसी और क्लैन में जाऊंगा अभी। यहाँ पर मैंने एक वॉर कर लिया, मैंने प्रॉमिस किया था भाई। फ्रेंड रिक्वेस्ट तो वीकेंड पे ही होगा। मतलब इस वीकेंड में नहीं, नेक्स्ट वीकेंड में। अभी तो मैं जितने फ्रेंड हैं उनको रखूँगा, एक वीक रखूँगा, अभी चेंज किया है 2 दिन पहले ही। और नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे में मैं पूरा सेट चेंज करूँगा फ्रेंड का, तो उसके बाद फिर मैं लगा दूँगा नया, है ना? तो मैं ऐड कर लूँगा, एक दिन रखता हूँ कि जो मुझे रिक्वेस्ट भेजेगा, जैसे भेजेगा, शुरू से ऑर्डर से जो भेज रहा है उसको मैं रखता जा रहा हूँ फ्रेंड लिस्ट में। ठीक है, भाई मेरे को बताओ, एंड्रॉयड 4.1.2 में कैसे स्क्रीन रिकॉर्डर और स्ट्रीम करूँ? 4.1.2 में तो थोड़ा दिक्कत होगा, वाईटी गेमिंग चलता नहीं शायद उसमें। तो रौनक पटीदार भाई साहब मुझे बोल रहे हैं कि एक तो तुम्हें अटैक करना आता नहीं, और फालतू की तुम स्ट्रीम करते हो, और भाई साहब के 6 सब्सक्राइबर हैं, और 2 महीने पहले वीडियो डाली थी उसमें 42 व्यू हैं, और 4 वीडियो भाई साहब ने डाली है जिंदगी में, पूरी जिंदगी में 4 वीडियो डाली है, और आकर मुझे सिखा रहे कि कैसे अटैक किया जाता है। ठीक है, अरे पहले 10 वीडियो तो डाल लो। मैंने जिंदगी भर में 1000 वीडियो से ज़्यादा बनाया है टोटल मेरे चैनल मिला के। इस चैनल में 200 के करीब मेरे वीडियो होने वाले हैं मेरी। मैं आकर बिना शक्ल दिखाए ऐसे हाथ दिखा के चला जाऊँ ना, तो तेरे से ज़्यादा व्यू हो जाएगा। तुम मुझे क्या सिखा रहे हो कि लाइव स्ट्रीम कैसे करते हैं? इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम दूसरे यूट्यूब चैनल में जाके लोगों को बोलो कि तुम स्ट्रीम बंद करो, तुम स्ट्रीम बंद करो, क्योंकि तुम्हारा चल सके। लोगों का बंद करवा के अपना चलाना चाहते हो? नहीं चलेगा, मेहनत करो, जाओ जाओ, थोड़ी मेहनत कर लो, जो 4 वीडियो डाली है ना, थोड़ा मेहनत कर लो, अच्छी वीडियो डाल लो तो व्यू हो जाए तुम्हारा। 40 40 व्यू लाते हो 6 6 महीने, 4 4 महीने में। आए हो सिखाने के लिए? एक बार लाइव स्ट्रीम करता हूं तो 10,000 व्यू होती है मेरी। देखो मैं रोस्ट नहीं करना चाहता, अब आके एटीट्यूड मारते मुझे, सिखाने लगते हैं ये मत करो, वो मत करो, बंद कर दो स्ट्रीम, तुमसे होता नहीं है। अरे रुक तो जा मेरे भाई, 10 मिनट रुक तो जा, होगा क्यों नहीं? कुछ काम की स्ट्रीम करना, विजिट बेस करके क्या मिलेगा? मैं सबसे कम करता हूं विजिट बेस, वीक में कभी एक बार दो बार करता हूं, और मैं अपने फैंस के लिए कुछ भी कर सकता हूं। वो मेरे को बोलते हैं कि बेस विजिट करो, मैं कर लूंगा। मैं तेरे से पूछ के थोड़े करूंगा कि मेरे को बेस विजिट करना है कि अटैक करना है, ये मेरी मर्जी, तू जाके अपने चैनल में जो मर्जी कर, मैं तेरे को तो बोलना नहीं आता। देखो जलन सबको होती है लेकिन दिखानी नहीं चाहिए, तुम दिखा क्यों रहे हो ये बताओ। हेलो भाई विनित, चलो ठीक है।
देखे थे तो तेरे को आता था तू जरा स्ट्रीम कर ले भाई मेरे, जा स्ट्रीम कर ले भाई। आप लाइव स्ट्रीम करते हो तो आपको पैसा मिलता है क्या? एक्चुअली मैं आप वीडियो डालो या लाइव स्ट्रीम करो, लाइव स्ट्रीम के पैसे नहीं मिलते, वॉच टाइम से पैसे मिलते हैं। तुम सर्च कर सकते हो वॉच टाइम क्या होता है, जो नंबर ऑफ आवर्स वी व्यू। एक्चुअली मैं व्यू व्यू और वॉच टाइम रिलेटिव है, तो तुम दोनों में से कुछ भी सर्च कर लो पता चल जाएगा। सो मैनी जेम्स यू रॉक। हेलो ब्रो दादा, राकेश दास। राकेश दास ने पूछा अभी तक नहीं आया। क्या नहीं आया राकेश भाई? क्लैन गेम्स का इन्फॉर्मेशन नहीं भाई मेरे, क्लैन गेम्स का इन्फॉर्मेशन अभी तक आया नहीं है। और बहुत खुशी की बात है कि मेरा लेवल 16 का हो गया है बैटल मशीन, बहुत सही चल रहा है। कहाँ ये अंदर से खोपड़ी गायब है इसकी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ट्रूप्स मैंने रिक्वेस्ट कर दिया है, तो देखता हूँ कि कितनी देर में मिलता है। दो सेट मैंने बना कर रखा हुआ था, और मेरा जो किंग है वो क्लैन नेम जनरल, क्लैन नेम है जनरल। मैं यहाँ पर गेस्ट हूँ ठीक है। हाँ भाई बाय कर लिया जेम्स मैंने, बॉबी भाई। हाई ड्रेको, आई ऑलवेज वॉच योर वीडियो, यू आर वेरी गुड, आई विल ऑल्सो ज्वाइन योर क्लैन। दिस इज नॉट माई क्लैन ब्रदर, हीरेंद्र ब्रदर, दिस इज नॉट माई क्लैन। ये मेरा क्लैन होता तो मैं कुछ बात करता, लेकिन मेरा क्लैन नहीं है। तो ये जो मेरे को डोनेट करना किंग ऑफ राइवल्स, ये इसी तरह से यूट्यूब में मुझे मिला था। यहाँ पर उसने बुलाया मुझे, मैं चला गया उसके क्लैन में, उसने रिक्वेस्ट करी तो मैं चला गया। मैंने बोला चलो भाई चलते हैं, बताओ कब आएगा भाई। इन्फॉर्मेशन तो आ नहीं रही, वो तो उन्होंने अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। जैसे ही मिलेगा वैसे ही मैं वीडियो डाल दूंगा, तो लेट तो नहीं करूंगा मैं। हाँ डेड बेस सर्च, तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कि डेड बेस सर्च कैसे करते हैं। ठीक है, अभी डेड बेस सर्च करते कैसे करते हैं उसका टॉपिक है ना। तो सबसे पहले तो मैं लीक सही करनी पड़ेगी। अभी मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि डेड बेस आता कैसे है, डेड बेस होता कैसे है। जैसे मान लो मैं TH11 हूँ ठीक है, TH11 में मेरा एक कोई पर्टिकुलर डिफेंस है। और डेड बेस मतलब क्या होता है कि जिस पर बहुत सारे लोगों ने अटैक किया है, वो बंदा विलेज अपना ओपन नहीं कर रहा, काफ़ी टाइम से उसका क्लोज्ड है। इससे क्या होता है, जो कलेक्टर होते हैं वो फुल हो जाते हैं, स्टोरेज नहीं कलेक्टर। डेड बेस का रियल मीनिंग होता है कि डिफेंस में जो जो रियार्म करने वाला डिफेंस है, जैसे जाइंट बॉम्ब हो गया, स्केलेटन स्ट्रैप हो गया, और स्केलेटन ट्रैप जिसको बोलते हैं, और इन्फर्नो हो गया और ईगल हो गया, ये सब डाउन है, काला कलर का धुआं निकल रहा है, देखा ही होगा तुमने डेड बेस में। तो इसको डेड बेस बोलते हैं, ये प्रॉपर डेड बेस हो गया। लेकिन कुछ कुछ डेड बेस ऐसे होते हैं कि विलेज एक्टिव है लोगों का, लेकिन 2 दिन से विजिट नहीं करा, तो 2 दिन में 3-4 बार अटैक हो चुका है बंदे पर, और इलेक्जर कलेक्टर फुल है ठीक है, इलेक्जर कलेक्टर फुल है और आउटसाइड रखा हुआ है सारा कलेक्टर, तो उसको भी डेड बेस बोलते हैं। अभी उसको सर्च कैसे करते हैं सबसे बड़ा टॉपिक ये है, तो उसके लिए तुम्हें लीक सही करनी पड़ेगी। तो वही मैं बता रहा था कि मैं TH11 हूँ, मेरा कोई पर्टिकुलर डिफेंस है, पर्टिकुलर डिफेंस है मेरा, तो उस हिसाब से मैं देखूं तो मेरा एक कोई लीग होगा जहां पर मैं छोड़ भी दूं अपना बेस तो सस्टेन कर जाएगा। तो मोस्टली क्या होता है, वो लीग जो है वो Gold 1 से लेकर Master 3 तक होता है, इसी के बीच में सारा बेस होता है। अगर तुम नहीं भी अटैक करते हो, मैं अगर कुछ नहीं करूं, मैं अपना बेस छोड़ दूं, तो मेरा Crystal 2 Crystal 3 ऐसा करके मेरा रहता है। तो मेरा बेस अगर तुम डेड फाइंड करोगे कभी, तो Crystal 2 Crystal 3 में करोगे। और मोस्टली अब जबकि मेरा TH11 मैक्स होने के नज़दीक है, मेरा 10.5 पार कर रहा है धीरे धीरे, तो उस हिसाब से मैं बताऊं तो मोस्टली जितने भी बेसेस हैं वो Gold 1 जो अच्छी लूट वाले हैं। अभी TH7 में तुम अच्छी लूट नहीं कर पाओगे, TH7 में उतना होता ही नहीं। तो TH9 से लेकर जो ऊपर होते हैं उसमें जो अच्छी लूट होती है वो मोस्टली Gold 1 से लेकर Crystal 1 या फिर Master 3 तक होता है। Master 3 भी मिल जाता है डेड बेस में, अच्छी लूट मिल जाती है। तो इसीलिए मैं लेजेंड से, मेरा रीजन यही था नीचे आने का। पहला तो ये था कि मैंने बहुत सारे
क्लाउड्स देखे, बादलों में बहुत सारा घूमा मैं, उसके बाद आ गया। ठीक है, अब देखो इसको जरा मैं ऑफ कर देता हूँ, है ना, चैट को ऑफ कर देता हूँ ताकि अटैक करने में, मैं तो वैसे चैट पढ़ ही रहा हूँ पीसी में। तो चलो एक अटैक करते हैं डेड बेस पे, ढूंढते हैं डेड बेस। ठीक है, देखो इसमें लूट बहुत अच्छी है, डार्क कम है, बहुत कम है इसमें डार्क, तो मेरे को डार्क चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मोस्टली बेस डेड नहीं भी हो, लूट अच्छी हो तो मैं कर देता हूँ, लेकिन डेड बेस ढूंढने का वही तरीका है कि तुम्हें देख देख के देखो, इसमें लूट बहुत अच्छी, सब कुछ अच्छा है, तो ये मैं अटैक कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट में मैं दिखा दूंगा कि डेड बेस कैसे फाइंड करते हैं। तो मेरे पास क्योंकि मैक्स ट्रूप्स हैं, अगर मैं बारबेरियन आर्चर करता तो मैं पर्टिकुलरली पूरा डेड बेस ढूंढता, पूरा ही डेड बेस ढूंढता, लेकिन अभी मैं डेड बेस मुझे सेकेंड या थर्ड सर्च में ही मिल गया है, अच्छी लूट मिल गई है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको कर दूँ। बेस बहुत अच्छा है, बेस खराब नहीं है। डिफेंस इसके TH-11 के 10.5 तो मैं बोलूंगा ही इसको। चलो 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 सही है, सेंटर में थोड़ी फनलिंग तो हो गई है, अभी मैं देखता हूँ कि क्या काम आता है। चलो डार्क मिल गया मुझे, जो पर्पस था वो पूरा हो गया, आई गॉट द डार्क। अभी इधर जायंट को मैंने थोड़ा सा हील दे दिया, तो मेरे को डार्क मिल गया, और मुझे अभी ज़्यादा रिक्रूट की रिक्वायरमेंट है नहीं, मेरे को डार्क जल्दी जल्दी भरना है। खैर उसको छोड़ते हैं और यहाँ बात करते हैं, फिर लूट को छोड़ो, जो हो रहा है होने दो। हाँ बात कर रहा था डेड बेस की, तो डेड बेस सर्च करने का सबसे अच्छा तरीका है कि तब तक सर्च करो जब तक तुम्हें ऐसा ना मिल जाए कि एलेक्जा कलेक्टर जो बाहर का है वो फुल हो। वो हर बेस में मिलता है, हर ट्रॉफी में मिलता है, हर जगह मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चांस होता है मिलने का वो गोल्ड वन से लेकर मास्टर 3 तक। तो गोल्ड वन हो गया और क्रिस्टल का तीनों लीग हो गया, क्रिस्टल 3, 2, 1 देन मास्टर 3। मास्टर 3 से ऊपर जाते हो तो लोग एक्टिव मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है सर, आपके जेम्स परचेसिंग वाली वीडियो देखनी बहुत अच्छी थी, पर मैं स्ट्रीम में भी था। हाँ Karthik004, यस ब्रदर, उसकी लिंक मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, तुम लोग चाहो तो देख सकते हो। गुड मॉर्निंग भाई राकेश भाई, पबजी पबजी भी खेलूंगा यार, पबजी का ही टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे। चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक मेरे को लगता है यहाँ पर, आह 25, वेरी नाइस। तो मैं इसके बाद विच लगाने वाला हूँ, नाइट विच लगाऊंगा अपग्रेड को। ठीक है, अच्छी लूट कैसे लें, वही तो मैं बता रहा हूँ सनी भाई। अच्छी लूट लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि लीग सही करो अपनी। लीग तो मैंने बताया है कि क्रिस्टल लीग में आ जाओ सारे बेसिस के लिए। अगर तुम TH-8 हो, TH-8 से नीचे हो तो Gold 1 में भी तुम्हें मिल जाएगा, वहाँ तुम्हें लूट अच्छी मिल जाएगी। अभी ऐसा करता हूँ कि इसको बूस्ट करके और क्लियर करता हूँ, देखता हूँ कितने जेम मिलेंगे। तो मेरे 13,875 है, अब तुम लोग गेस करो कि जब मैं ख़त्म कर चुका होऊंगा सारा क्लियर करके तो कितना होगा मेरे पास, कितना जेम मुझे टोटल मिलेगा। 5, 6, अच्छा 9, 13, 75, 13, 5, 18, 18, 1, 19, 19 और 6, 25, 25 जेम मिल गया अभी तक, 25 और 4, 29, और ये लास्ट
29 और 5 34 34 जेम मुले मुझे मिले हैं यहाँ पर ट्री साफ कर रहे थे। अच्छी बात है। तो बैटल मशीन लेवल 16 पहली बार यूज़ करूँगा मैं, तो देखता हूँ कि इसकी क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। बहुत ज़्यादा इम्प्रूव तो नहीं किया होगा, 15 से 20 जाएगा तो इम्प्रूवमेंट होगी। डेड बेस का बताओ। बस भाई डेड बेस का ही तो मैं बता रहा हूँ, तब से सर्च करने का तरीका बता रहा हूँ मैं लोगों को कि क्रिस्टल लीग में आ जाओ, क्रिस्टल लीग में अच्छा मिलेगा। मैंने सारा भी डिस्क्रिप्शन भी दिया कि कैसे डेड बेस का मतलब क्या होता है, क्यों डेड बेस बोलते हैं उसको, क्योंकि उस पर विजिटिंग नहीं होती। एक्टिव बेस और डेड बेस दो तरह के बेस होते हैं। सर मैं मॉड बनना चाहता हूँ। बिल्कुल बन जाओगे भाई, लेकिन अभी मैंने मॉड अभी डिलीट नहीं किया है, तो रिशफल करूँगा उसमें बना दूंगा। भाई मस्त लग रहे हो, कल का वॉर अच्छा था, लव यू टू ब्रदर। कल का वॉर तुम लोग देख रहे थे ना, जिन्होंने देखा कितना इंटरेस्टिंग हुआ था। लास्ट में एक 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 पॉइंट से जीते ना, एक स्टार ज़्यादा था हम लोगों का, उससे जीते हम। टोटल डिस्ट्रक्शन कम था, लेकिन तुम बात करोगे। आहा क्या बात है, बैटल मशीन तो बहुत देर तक सस्टेन किया है, तो मैं तो बैटल मशीन ही टेस्ट कर रहा हूँ अभी। बिल्डर बेस में डेड बेस मिलेगा? नहीं भाई। दीपक यू क्विट सीओसी? अच्छा हाँ, टाइटन में ट्रॉफी कम क्यों मिलती है? टाइटन में ट्रॉफी कम क्यों इसलिए मिलती है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जो भी, देखो ट्रॉफी कैसे ज़्यादा मिलती है इसका पहले कंसेप्ट समझते हैं। अगर तुम TH8 हो और TH10 को अटैक कर रहे हो और तुमसे लीग में हाई है, एक्चुअली ट्रॉफी तो लीग से ही मतलब है। अगर तुम क्रिस्टल लीग में हो, अगर तुम क्रिस्टल लीग में हो और टाइटन के बंदे को अटैक कर रहे हो, तो तुम्हें ट्रॉफी ठीक ठाक मिलेगी, क्योंकि लीग बहुत हाई हो गया, मास्टर आ गया बीच में, उसके बाद चैंपियन आ गया, फिर टाइटन आ गया। तो जो मैक्सिमम ट्रॉफी होती है, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा लीग में उतना ज़्यादा ट्रॉफी होगा, जितना कम डिफरेंस होगा लीग में उतना कम ट्रॉफी मिलेगा। अभी तुम टाइटन में हो तो तुम्हें बंदे मिलते हैं, मान लो लेजेंड के बंदे मिले या टाइटन के बंदे मिले, तो पैरेलल में बहुत कम ट्रॉफी मिलती है। पैरेलल में तो मुश्किल से 7 मिलता होगा, 9 मिलता होगा, बहुत मिला तो 15। तो कंसेप्ट यही है इसमें, इसके पीछे यही कंसेप्ट है कि जितना ज़्यादा लीग में डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा ट्रॉफी मिलेगी। रिवेंज करो, ट्रॉफी बहुत ज़्यादा मिलती है लूट में। अगर तुम टाइटन लीग में हो तो ट्रॉफी नहीं मिलने वाली तुम्हें। पहली बात तो वो लोग सारे एक्टिव शील्ड के साथ होंगे, गार्ड होगा उनके पास, तो तुम तो अटैक तो नहीं कर पाओगे उस पर। मैं जब था लेजेंड लीग में तो मैंने कितना सर्च किया है डेड रिवेंज के लिए, एक भी नहीं मिला। एक मिला भी था तो 0 ट्रॉफी थी उसकी। तो मैंने फिर अटैक नहीं किया। हेलो भाई पवन कुमार, प्रांशु हेलो, तो भी आ गया, आज आ गया है ऑनलाइन, बढ़िया। क्लैश विक्की आई ऑल्सो गेट 6 to 9 ट्रॉफीज ऑब्वियसली ऑप्टिमस प्राइम। तो मैं जा चुका हूँ लेजेंड, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं पता, मैं हवा में बात कर रहा हूँ। मैं जा चुका हूँ लेजेंड, मेरे को पता है टाइटन की तकलीफ क्या है, लेजेंड की तकलीफ क्या है। एक तो बेस नहीं मिलते, 75 घंटा लगता क्लाउड 72 घंटे में। 2 दिन सर्च करो तो एक बेस मिलेगा, दिमाग खराब होता उसमें बहुत। प्लस प्लस क्या है कि ट्रॉफीज बहुत कम, लूट कितना मिलता है, लूट ज़्यादा नहीं है टाइटन और लेजेंड में, लेकिन बोनस बहुत है, 3,40,000 बोनस मिलता है लेजेंड में, तो वो भरपाई हो जाती है। अच्छा चलो इस पे अटैक करते हैं, चलो एक्सेप्ट कर लिया मैंने। अच्छा बेस है इसका, कोई ख़राब बेस नहीं है। अभी गेमिंग जून का जरा मैं चैनल देखता हूँ। मैंने सोचा कि जो मुझे गाली देते हैं मैं उनका चैनल जाके देखता हूँ क्या औकात है उनकी। तो गेमिंग जोन के एक सब्सक्राइबर है, शायद उसने खुद से ही सब्सक्राइब करा होगा दूसरे चैनल से। बंदे के एक सब्सक्राइबर है, एक भी वीडियो नहीं है गेमिंग जोन की,
तो जलन तो ऑब्वियस है भाई, जहाँ मेरी हर दिन वीडियो में 20-20 हज़ार व्यू हो रही, 25-25 हज़ार, एक बार लाइव स्ट्रीम जाता हूँ मैं तो 20 हज़ार 25 हज़ार व्यू लेकर आता हूँ एक दिन में, तो जलन तो होगी। गेमिंग जोन का यही प्रॉब्लम है कि औकात अपनी कुछ है नहीं, वीडियो बनाने की कुछ औकात नहीं है, लाइव स्ट्रीम करने की औकात नहीं है, तो आखिर गाली ही देगा एक सब्सक्राइबर। ओ भाई। मेरा बिना वीडियो का 80+ है। देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं कि तुम्हारे एक भी सब्सक्राइबर है कि नहीं है, किन्हीं का होता है किन्हीं का नहीं होता, लेकिन कोई एटीट्यूड मार रहा है तो उसका तो मैं देखूंगा ना कि औकात क्या है उसकी। औकात जाओ जाओ पहले वीडियो बना लो, दो वीडियो बना लो बेटा, जाओ मुन्ना दो वीडियो बना लो, फिर आकर मुझे कमेंट करना और मुझे गाली देना, जाओ। तो मुन्ने की प्रॉब्लम क्या है ना कि मुन्ने को गाली जरूर देना है लेकिन अपनी औकात नहीं है, गायब हो गया मुन्ना, लगता है वीडियो अपनी सब्सक्राइबर देखने चला गया कि अरे अरे मेरे तो दो सब थे, मेरा एक कौन अनसब्सक्राइब करके चला गया, ओ माय गॉड एक सब्सक्राइबर दिख रहे। चलो ठीक है, लायक नहीं है उनके बारे में बात नहीं करते। प्रॉफिट होता है टाइटन में, हाँ लूट लूट बहुत अच्छी मिलती, यू आर द बेस्ट। किंग ऑफ राइवल्स भाई ने शेयर किया है, देखो अच्छी लूट मिली है, देख लो डेड बेस क्या होता है, ऐसा ही होता है डेड बेस, कलेक्टर पूरे फुल है, पूरे नहीं तो थोड़े से तो बचे हुए हैं, पूरा फुल हो चुका है। 737 के गोल्ड है, मतलब 7 लाख 7.5 लाख के लगभग गोल्ड, और 5 लाख के करीब एलेक्जर, इस पर एक अटैक कर दो। TH9 का बेस है क्रिस्टल लीग में, क्रिस्टल लीग में ही मिला ऐसे, ये क्रिस्टल वन में है बंदा, देखो वेयर इज द कैप, सो यू डोंट लाइक माई हेयर, पक्का दिखा दे बिल्डर बेस में, दिखा दूंगा भाई। आज तक नहीं पहना, क्या नहीं पहना भाई आज तक भाई, प्लीज आपको गाली दे रहा है सकता है, प्लस चैनल देख लो। अरे भाई भावू _021, नहीं भाई बिना गाली देखे भी, देखो तुम मेहनत कर रहे हो, ठीक है तुम मेहनत कर रहे हो, तुम वीडियो डाल रहे हो, तो भावू भाई तुम्हारे लिए बहुत मोटिवेशन है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम कंटिन्यू वीडियो बनाते रहो और फ्रिक्वेंटली वीडियो बनाओ और सब्सक्राइबर तुम्हारे गेन होंगे, तुम मेहनत करो भाई, गाली देने की ज़रूरत नहीं है भाई मुझसे बात करने के लिए, ऐसा नहीं है, जो अच्छे लोग हैं मैं उनको ज़्यादा पसंद करता हूँ। मेरे पास जॉब नहीं है तो मैं COC खेलता हूँ, लेकिन तू कितना बेरोजगार है कि मेरे हर स्ट्रीम में आकर मुझे गाली देता है, ये बता तू कितना निकम्मा है कि हर स्ट्रीम में आकर तू मुझे गाली देता, इससे ज्यादा निकम्मागिरी क्या होगी कि जिसको तुम पसंद नहीं करते उसको 3-3 घंटे देखते। गेमिंग जोन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि गाली दे रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि वो मेरे को पसंद नहीं करता, फिर भी 3 घंटे मेहनत करता है मेरे पीछे, हाय रे हाय किस्मत तेरी। ओहो मुझे बहुत तरस आता है, सर ब्लॉक करो इसको, नहीं भाई ये 3 घंटा का व्यूअर है मेरा, मैं कैसे ब्लॉक करूं इसको, इसे पता नहीं कि अनइंटेंशनली कितना हेल्प कर रहा मुझे, इसकी जो वॉच टाइम है, इसकी जो मेहनत है, 3 घंटे अपने डेटा खर्च करके मेरे साथ लगा हुआ है, तो आई कैन इग्नोर हिज गाली, ठीक है मेरे को लगती नहीं गाली, मैंने कहा था कि ऐसे आती है गाली और ऐसे टकराती है और ऐसे वापस उसी को चली जाती जो देता है, तो क्या किस्मत बंदे की कि जिसको पसंद नहीं कर रहा 3-3 घंटे आकर उसी को 3 बार देखे दिन में, ओह बेटा क्या क्या मुसीबत है यार, क्या जिंदगी खराब हो रखी है बंदे की। ओ भाई तू अमीर नहीं है, वो बोल रहा है कि अमीर हूं मैं, तू अमीर नहीं है, इसका रीजन मैं बताता हूं कि अमीर उसको बोलते हैं जिसका दिल अमीर हो, पैसे से कोई अमीर नहीं होता, जिसका दिल बड़ा होता है वही अमीर होता है, और तेरे पास बहुत छोटा दिल है, दिमाग भी बहुत छोटा है, तो अमीर किस बात से हुआ तू ये बता, छोटे दिमाग वाले लोग अमीर नहीं होते,
अब बाप के पैसे से कोई अमीर नहीं होता, अपने पैसे कमाओ। अगर तू अपने पैसे कमाता तो इतनी फुर्सत कैसे है कि मेरे मेरी स्ट्रीम में इतना टाइम रहता और मेरे को गाली देने के लिए रहता? अच्छी वीडियो देखने के लिए तो रहे तो कोई बात भी हो। नाम तो पता उसका, नाम है उसका नाम भी भूल गया मैं, रुक एक मिनट, ऊपर देखने दे एक मिनट। नाम कोई जोन था, कोई जोन था, रुको, गेमिंग जोन। सही भाई, मेरे पास बहुत बहुत बड़ा दिल है, हर लाइव स्ट्रीम में आता हूँ। ऑब्वियसली पांड्या भाई, मैं अपनी स्ट्रीम पर किसी को मॉड कैसे बनाऊं? जैसे कोई भी चैट कर रहा ना लाइव स्ट्रीम पे, तो उस पर राइट क्लिक कर सकते हो, एक तीन डॉट आएगा उसके नाम के आगे, जो उसका कमेंट होगा उसके आगे तीन डॉट आएगा, उसको क्लिक करोगे, उसको क्लिक करोगे तो पहला ही आएगा गो टू चैनल, उसके बाद सबसे नीचे आएगा ऐड मॉड। भाई थंबनेल में फोटो मस्त लगा रहे भाई, अरे क्या बात करते हो यार, तुम ही लोगों से इंस्पिरेशन मिली। वॉन्ट गिव अवे, मिलेगा गिव अवे तो मिलेगा, उसके लिए तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, और मैं बता दूंगा, एक वीडियो में डाल दूंगा कि कैसे गिव अवे दूंगा, क्या दूंगा मोस्ट प्रोबेबली। तो वीकेंड में, नेक्स्ट वीकेंड को जो गिव अवे है वो सैटरडे या संडे को मैं दे दूंगा। चश्मा पहन लो ना, पहन लूंगा भाई मिहिर, रुक जाओ, टोपी भी पहन लूंगा, चश्मा भी पहन लूंगा। ईस्ट और वेस्ट है कोई, टीएसटीएल इज कमिंग सून, यस। दो हफ्ते से बोल रहा हूँ क्लैन में इनवाइट करो। भाई ये तो मेरा पहले क्लैन है नहीं कि मैं इनवाइट कर पाऊँ, उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी बोल रहा हूँ तुम्हें। मैं यहाँ रहूँगा नहीं ज़्यादा दिन, मुझे बंदे ने इनवाइट किया था तो मैं आ गया, तो सॉरी है उसके लिए। चलो एक अटैक करता हूँ, ड्रैको हु गिव यू गाली इज चू। यस, नहीं भाई मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया ना कि बंदे के एक सब्सक्राइबर है, एक ओनली वन चैनल बना रखा है उसने, उसके एक सब्सक्राइबर, नॉट अ सिंगल वीडियो, एक वीडियो आज तक प्रोड्यूस नहीं की जिंदगी में। और जो लाइव स्ट्रीम कर रहा, एक बार करके देखो लाइव स्ट्रीम, पता चले तुम्हें कि होती क्या है वीडियो बनाना, क्या होता है लाइव स्ट्रीम, क्या होती है। हरे मैसेज तेरा पढ़ रहा हूँ भाई, तू मेरा लॉयल, सब लॉयल मेरा व्यूवर है, तू 3 घंटे मेहनत करता, तू तो मेरा सबसे फेवरेट है, तू मेरे को कंटेंट देता बात करने के लिए। गेमिंग जोन, सब अगर अच्छे लोग हो ही जाएं तो फिर डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि कौन अच्छा है? अच्छे और बुरे में वो होना चाहिए ना, अच्छे तभी अच्छे हैं जब गेमिंग जोन जैसे बंदे हैं। सुनो मेरी बात, हाँ भाई राखेश दास सुन रहा हूँ। को लीडर तो नहीं भाई, मैं मेंबर हूँ यहाँ पर, क्या बात करते हो, मैं को लीडर नहीं हूँ। मेरे से तो बात करो ना यार, सी ओ सी हीरोज। हाँ भाई बात कर रहा हूँ भाई, मेरे क्लैन में आ जा कुछ दिन के लिए। सुमन देव इनवाइट करो, आओ सुमन देव इनवाइट करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे क्लैन में। भाई जाइंट तो मिल जाएगा ना, जाइंट तो मिल जाएगा ना मुझे, मैक्स जाइंट। डिस्क्रिप्शन में मेरा टैग होगा, मुझे इनवाइट करो। चल ठीक है। अरे बढ़िया हो भाई कुलदीप, तुम कैसे हो? अरे 10 लाख का लूट मिलता है राकेश भाई, क्या बात है। सर मैंने पीयूष चावला को बोला कि वो आपके जैसा दिखता है, बढ़िया किया। मैं पीयूष चावला जैसा दिखता हूँ? अभी कर रहा, हाँ करो। आयुष गेमर देता हूँ भाई, मिस हो जाता है भाई, आप मुझे रिस्पॉन्स नहीं देते, मैं देता हूँ। देखो मैं पढ़ तो रहा हूँ ना, सबके मैसेज पढ़ रहा हूँ। लॉयल डॉग गेमिंग जोन। युवराज सर वो वांट फ्रेंडली चैलेंज यू इन बीबी, हु वांट्स फ्रेंडली चैलेंज, आ जा मुझे कर दे, मैं अटैक कर दूंगा।
सुमन देव किधर गया भाई? सुमन देव टैग दे दे मुझे, मैं आ जाऊंगा तेरे क्लाइंट में। उसने भी बहुत टाइम से रिक्वेस्ट किया मुझे। आई एम इन गोल्ड राकेश दास, अच्छी बात है भाई। फॉर मी योर स्ट्रीम नोटिफिकेशन इज कमिंग लेट एवरी टाइम भाई। कोई बात नहीं भाई, शिवा आ तो जा रही है ना कम से कम। यूट्यूब वालों की ग्लिच है ये। संदीप ब्रार, भाई प्लीज इतना इग्नोर मत कर यार, कब से मैसेज कर रहा हूँ। गूगल मनी क्या होता है? गूगल मनी क्या होता है ना कि गूगल प्ले स्टोर पर तुम ऐड कर सकते हो, गूगल अकाउंट में तुम अपने पैसे ऐड कर सकते हो, और वो पैसे इस तरह से ऐड होते हैं जैसे गिफ्ट कार्ड है ना। गिफ्ट कार्ड खरीदना होगा तुम्हें पेटीएम से या अमेजोन से, उसको रिडीम करोगे तो उसमें हो जाएगा। मैं दिखा दूंगा प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है? जैसे ही तुम परचेस करोगे तुम्हें एक कोड मिल जाएगा अमेजोन से या फिर पेटीएम से, उस कोड को रिडीम कर सकते हो, उससे पैसे ऐड हो जाएंगे, उससे खरीद सकते हो। समझ रहे हो? अटैक करो बस। हीरोज हो रहे मेरे, हो गए हीरोज मेरे, चलो अटैक करते हैं। देखो इसमें लूट अच्छी है, लूट खराब नहीं है, 4 लाख से ऊपर है। तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता डेड बेस है कि नहीं, लेकिन डेड बेस अगर मिल जाए तो उसमें बहुत आराम से अटैक हो जाता है। चलो चलो चलो, फर्स्ट क्लास। भाई इनबॉक्स खाली कर भाई, तू टैग देख लैन का। सुमन भाई, अगर मैं चुपचाप बैठूं तेरा हर लाइव देखता हूं, तुझसे बात भी नहीं करा, तो मैं तेरा लॉयल और हेटेस्ट मेंबर हुआ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने कहा कि जो मुझसे बात नहीं करते वो मैं उनसे हेट करता हूँ? ऐसा नहीं है यार, अपनी अपनी चॉइस है। कुछ बंदों को शांति से स्ट्रीम देखना होता है तो वो देखते हैं, तो उनकी मर्जी है, मैं उनका भी रिस्पेक्ट करता हूँ बराबर। जो भाई मेरा क्लैश विद बीर गोखाली भाई बोल रहा कि मैं तुम्हारा हर स्ट्रीम देखता हूँ तुझसे बात नहीं करता, तो इसका मतलब ये थोड़े ना हुआ। नहीं भाई, बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं कि आई हेट यू। तू मेरा बिल्कुल लॉयल है, तो मेरा सबसे बढ़िया में से दोस्त है। क्या बात करते हो यार, बात नहीं करते इसका मतलब ये थोड़े कि तुम टाइम दे रहे हो मेरे लिए अपना, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम। तो ये भूल जाओ कि मैं हेट करता हूं तुम्हें, बिल्कुल नहीं। भाई फ्रेंड रिक्वेस्ट तो तेजस पाटिल नेक्स्ट वीक ही हो पाएगा भाई, ऐसा नहीं है कि मैं मॉडरेटर को फेवर करूंगा, सॉरी। सब बराबर है, गुड अटैक, थैंक यू सो मच। बेस्ट ड्यूड 786 बेस्ट, मेरे से तो बात करो, मेरा मैसेज तो रीड करो। हाँ भाई कर रहा हूं, मेरे क्लैन में आओगे? आऊंगा भाई, लेकिन अभी मैंने सुमन देव को प्रॉमिस किया है। बहुत लोगों ने इनवाइट किया तेरे को, एक दो खाली कर। अच्छा एक भी इनविटेशन नहीं है? अच्छा है, सॉरी। देखो भाई मत छोड़ के जाओ ना, बस और कुछ दिन क्लैन गेम्स तक। क्लैन गेम्स मैं अपने क्लैन में खेलूंगा भाई, सॉरी भाई। क्लैन गेम्स शायद तुम मेरा देख रहे हो लाइव स्ट्रीम, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि किंग ऑफ राइवल्स भाई बुरा नहीं मानना, मैं तुम्हारी बात पर आ गया, तुम्हारे क्लैन में एक वॉर भी किया। अभी मेरा टाइम है कि मैं सुमन के पास भी जाऊँ, ऐसे ही जैसे तुम मेरे फ्रेंड हो वैसे सुमन भी फ्रेंड, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं यहाँ पर, तो सबके क्लैन में जाना होता है। ऐसा कि एक क्लैन में मैं रह जाऊँगा तो फिर लोगों को लगेगा कि यार एक ही क्लैन में रह गया है, तो मेरे को जाना है उसके क्लैन में। मैं कुछ दिन वहाँ रहूँगा और क्लैन गेम्स मैं अपने क्लैन में खेलूँगा, मेरा लॉयल है वो क्लैन, मैं 3 साल से उस क्लैन में हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तुम बात समझो, लॉयल्टी एक चीज़ होती है क्लैश ऑफ क्लैन में। तो अभी मैं हीरोज अपग्रेड हो रहे हैं मेरे, इसलिए मैं बाहर हूँ, नहीं तो वॉर करता तो मैं अपने क्लैन में करता, तो उसके लिए सॉरी है भाई। मैं फिर आऊँगा भाई,
भाई बहुत अच्छी है तेरी वीडियो ट्रैक। थैंक यू आयुष भाई, थैंक यू सो मच ब्रदर। और किंग ऑफ राइवल्स मैं फिर आऊँगा तुम्हारे पास, और तुम मेरे फ्रेंड हो, डोंट फॉरगेट, यू आर माई फ्रेंड। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि सुमन ने स्नाइपर विनोद, सुमन यही है तुम्हारा? हाँ ठीक है भाई, समझ सकता हूँ भाई। किंग ऑफ राइवल्स, थैंक यू सो मच ब्रदर। डैश सुमन, ये है तुम्हारा? डैश सुमन कौन सा है तुम्हारा? डैश सुमन, सुमन देव तुम ही हो ना? बोलना बे, मेरे जैसे लोग नहीं रहेंगे तो मजा कैसे आएगा स्ट्रीम में गेमिंग जोन ओ भाई, मेरे मेरे को वैसे भी मजा आता है, तो टेंशन मत ले मैं करूं अपने क्लैन में, मैं आऊंगा अंकित तुम्हारे क्लैन में भी आऊंगा भाई। अभी मेरे को सुमन सुमन के क्लैन में जाने दो भाई। स्पाइडरमैन डाइड, हाँ तो सुमन देव तो यही है शायद, डैश सुमन है। सुमन बोल ले भाई, कंफर्म कर ले। सुमन आजा, भेज दिया, ये डैश सुमन तुम्हारा ही है ना? स्नाइपर विनोद के पास भी जाऊंगा मैं। किंग ऑफ राइवल्स के क्लैन में इनवाइट करो प्लीज भाई। किंग ऑफ राइवल्स जरा इनवाइट कर दो भाई, जिनको चाहिए तुम अगर क्लैन में लेना चाहते हो तो, अच्छे अच्छे बंदे हैं। और जल्दी बता भाई कितना इग्नोर करते हो, बता दे भाई कौन सा फोन यूज करते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, हाँ मेरा है, जल्दी आओ। ओके तो सुमन देव, थैंक्स ऑल। थैंक्स ऑल, आई विल बी बैक। हाँ ठीक है भाई, समझ सकता हूँ। थैंक्स फॉर स्टेइंग, हाँ भाई मिस यू ड्रैको भाई, चलो फिर आना। ठीक है भाई, ठीक है, तो मैं फिर से आऊँगा। यार मेरे को बहुत दुख होता है इस तरह से क्लैन छोड़ने में, सॉरी भाई। तो सुमन ने, मैंने मेरे को बोला था, तो मैं सुमन के क्लैन में जा रहा हूँ, मैं फिर आऊँगा। अभी लाइव अटैक चल रहा है इस पर, तो मैं फिर से आऊँगा है ना? यस आई विल बी बैक। एप्पल पेपन, एप्पल पेन, क्या बोल रहे हो? एप्पल पाइन एप्पल। कैन आई गेट टू गेट अ चांस टू मीट यू? यू आर मीटिंग मी राइट हेयर, आई एम फेस टू फेस, मैं बात कर रहा हूँ ना तुमसे, और क्या चाहिए? ऐसे कभी मौका ज़रूर लगेगा, मैं अरेंज करता हूँ। किसी शहर में जाता हूँ तो मैं यूट्यूब पर बोल देता हूँ कि मैं उस शहर में आ रहा हूँ, तो जिनको मिलना है मुझे यहाँ मिल लो, मैं 1 घंटे तक यहाँ रहूँगा, ऐसे करके। वार रात को होगा भाई, बढ़िया वाला, बढ़िया। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। और भाई किंग ऑफ राइवल्स, थैंक यू सो मच ब्रदर, तुमने बहुत हेल्प की है मेरी, और आई लव यू ब्रदर। तो डैश सुमन लेवल 15 क्लैन का लीडर है, क्या बात है भाई, हैं छुपे रुस्तम निकले तुम, क्या बात है काफी बढ़िया बंदा हो यार, लेवल 15 क्लैन एकदम कब्जा किए हुए हो। ऐप के बारे में पूछ रहे हो तो नेपाली क्लैशर जाकर डिस्क्रिप्शन में देखो, एक वीडियो बनाई है हाउ टू लाइव स्ट्रीम, उस वीडियो में मैंने बताया है कि कौन सा ऐप यूज़ करता हूँ, कैसे मैं करता हूँ, सारा कुछ डिटेल दिया हुआ है, तो तुम देख सकते हो, आसान है बिल्कुल। तो अभी मैं एक अटैक कर लूँ, लूट अच्छी मिल रही है इसमें, चलो वॉल ब्रेकर तो मैंने छोड़ दिया, और वॉल ब्रेकर ने काम कर दिया है। एक जंप मार दूं मैं यहाँ पर, ताकि मेरे ट्रुप्स डिविएट नहीं हो, थोड़े से जाइंट अंदर चले जाएं, बहुत अच्छे जाइंट भी अंदर चले गए। और ये आया बलून, बलून के लिए मैं एबिलिटी यूज़ करता हूँ, चलो शाबाश।
तो लूट हो गई, मेन लूट हो गई, अब कुछ बचा नहीं है भाई। सिंगल इन्फर्नो था इसलिए एबिलिटी दबानी पड़ी, मजबूरी समझ सकते हो। यूनिक क्लैशर, हाँ भाई शाउट आउट टू यू। जेम्स खत्म तो नहीं हो गया ना? नहीं भाई अभी भी है, 13,000 से ऊपर है भाई। सुन लो, हाँ भाई सनी पंचाल, चैंप लीग में फार्मिंग बहुत मुश्किल है, क्रिस्टल लीग में फार्मिंग हो जाएगी। फोन नंबर भाई, फोन नंबर तो नहीं दे सकता, सॉरी। वैष्णव प्रकाश मिसिंग, अरे भाई वैष्णव, ये जो राइवल था जो मेरे को फुल टाइम डोनेट किया बंदे ने, 1,000 से ऊपर डोनेशन दी, 1,500 2,000 डोनेशन दी, वो वैष्णव प्रकाश ही है, राइवल्स नाम है, इसी ने मेरे को इनवाइट करा था। एंड थैंक यू ब्रदर वैष्णव। भाई बोर नहीं होते सीओसी से? नहीं भाई अभी ट्वेस्टल आएगा और इंटरेस्ट बन जाएगा, अभी मेरा मैक्स हुआ नहीं है, मैक्स होने के बाद बंदे बोर हो सकते हैं, मेरा मैक्स हुआ नहीं है। 1 मिनट 7 सेकेंड, अच्छा क्या 1 मिनट, अच्छा बचा हुआ था क्या 1 मिनट 7 सेकेंड, अच्छा मैंने देखा भी नहीं। यूनिक क्लासर वीडियो बनाओ, लाइव जाओ, सब्सक्राइबर मिल जाएंगे भाई, मेहनत करो। मैंने देखा है बंदों को कि शुरू से स्टार्ट करा है, मेहनत करा है, उनको मिल जाएगा। ऑसम लुटियस मैन, हमजा जहन नजेब, हेलो भाई सलाम। अनुपम दीप जॉइन, TS12 में डायरेक्ट जाओगे या मैक्स करने के बाद? जब तक TS12 आएगा ना, वॉल्स में मैक्स कर लूँगा, 2 महीने में मैं वॉल्स मैक्स कर लूँगा भाई, जून या जुलाई में आने वाला है ना, मैं मैक्स कर लूँगा, टेंशन ना लो, वॉल्स पक्का मैक्स कर लूँगा। हीरोज मेरे 45+ हो जाएंगे, एटलीस्ट क्वीन तो हो ही जाएगी, किंग का मैं सोच रहा हूँ 35+ कर लूँगा, वार्डन 20 कर लूँगा, ट्रूप्स में मैक्स कर लूँगा, तो फिर बचेगा क्या? TS12 डायरेक्ट। आप एक दिन में 1 लाख डार्क कैसे कर लेते हो? इसका यही तरीका है। अरे ड्रको भाई वेलकम, एक बंदे को किक कर दिया तेरे लिए। अरे नहीं भाई, किक नहीं करना था मेरे भाई। क्यों किक कर दिया, ऐसा क्यों किया यार। लेकिन ठीक है चलो, बंदा इनएक्टिव लग रहा था मुझे, ओ भारत भाई को किक कर दिया, TS9 का बंदा था। चलो कोई बात नहीं, इनवाइट कर लियो, मैं जब जाऊंगा उस समय उसको इनवाइट कर लियो और उसको सॉरी बोल दियो मेरी तरफ से। यस टुडे CSK विल विन। और ट्रूप्स मेरे ऑलमोस्ट हो चुके हैं, कंप्लीट है, मेरे को रिक्वेस्ट करना है 20 सेकंड के बाद, तब तक एक बिल्डर बेस में मैं अटैक कर लूँ, चमचमाता अटैक होगा बिल्डर बेस में। CSK भाई हो सकता है कि CSK धोनी एक बार छोड़ भी दे कोहली के लिए, कोहली को बहुत मानता वो, तो मे भी उसके लिए एक मैच छोड़ भी दे, हो सकता है कुछ ऐसा हो, लेकिन देख लो क्या होता है, हो सकता है पीछे बात होगी कि धोनी भाई धोनी भाई। धोनी बोलेगा ठीक है मेरे भाई। इस क्लैन का वॉरलॉग दिखाओ, दिखा रहा हूं भाई दिखा रहा हूं, 1 मिनट रुक जाओ। थ्री स्टार होगा या नहीं ये बताओ, क्या लगता है थ्री स्टार होगा या नहीं? गुजरात आओ कभी, आऊंगा भाई पांडे भाई, डोंट इग्नोर मी, मैं ऊपर गौतम भाई नहीं इग्नोर कर रहा, मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहा। होगा सबसे बेकार गेम COC फालतू, अरे ऐसा नहीं है यार, तो जिन्होंने 3 स्टार बोला था उन्होंने सही बोला था, 3 स्टार हो जाएगा और हो गया है। नो किसने नो बोला था? श्याम शर्मा, अरे यार हो गया यार। आर्यन यादव कैसे हो भाई? आर्यन भाई का नाम लेने को आर्यन ने कहा था, कैसे हो मेरे भाई आर्यन?
राज बादियानी का भी आया हुआ है। ठीक है भाई, मैं नेक्स्ट टाइम आ जाऊंगा, अभी अभी नहीं। तो वॉरलॉग दिखाने को कहा था, तो वॉरलॉग दिखाऊं तो अच्छा चल रहा है यार। 374 विन्स हैं, 535 टोटल वॉर है, विन स्ट्रिक तो अच्छी चल रही, तो काफ़ी अच्छा क्लैन है यार। देखो तो यहाँ के बाद तुम देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 विन और 1 लॉस। 1 2 3 4 5 6 7 विन 1 लॉस, 1 2 3 4 5 6, और काफ़ी बढ़िया क्लोज वॉर हो रहा है। हैवी हैवी वॉर करते हैं बंदे। और डैश सुमन का बेस दिखाऊं मैं, डिफेंस कर रहा अच्छा इसका। अरे 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 अरे, क्या बात है यार, है क्या बात है, एकदम काफ़ी डेंजरस बेस बनाया हुआ है सुमन तुमने। काफ़ी अच्छा बेस है, बहुत बढ़िया। बंदे का वॉर स्टार देखो 2500। इस बंदे ने कभी मेरे को अब्यूज़ नहीं किया, इतना अच्छा बंदा है। लेजेंड लीग में इसके 2000 से ऊपर ट्रॉफी हैं। मेरे से हमेशा अच्छे से बात की इसने। मेरे इतने वॉर, इतने लेजेंड ट्रॉफीज़ नहीं है मेरे पास, मेरे पास इतने वॉर स्टार नहीं है। इससे मेरे लगभग 800-900 वॉर स्टार कमी होंगे, फिर भी इसने कभी अब्यूज़ नहीं किया मुझे, मेरे से बहुत अच्छे से बात करी। तो यह होती है क्वालिटी बंदों की, प्राउड नहीं फील करना चाहिए तुम्हारे पास कुछ है तो, और जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो उस समय प्राउड फील करोगे। मतलब प्राउड नहीं, मतलब वो क्या उसको बोलते हैं, घमंड, घमंड नहीं करना चाहिए कभी किसी बात का। ड्रैको ड्रैको ये है हीरो, पक्का रोहन बोल रहा है, इसके सामने सब है जीरो, रोहन दोषी। हाय भाई सीओसी शुभम रावत, कैसे हो? हेलो एवरीवन, जिसको हाय मैं नाम लेकर नहीं बोल पा रहा उनके लिए सॉरी है, सबको मैं हाय बोल रहा हूँ एक साथ। कैसे हो भाई लोग तुम लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ, काफ़ी मज़ा काट रहा हूँ यहाँ पर क्रिस्टल लीग में। फुटबॉल खेलते हो क्या? फुटबॉल मेरे को बहुत पसंद है, बहुत टाइम से मैंने खेला नहीं है, लेकिन आई लाइक फुटबॉल, देखता बहुत हूँ मैं। तो लिवरपूल और रियल मैड्रिड में चैंपियंस लीग फाइनल होने वाला है, बताओ कौन जीतेगा, क्या लगता है? कैसे हो भाई लोग? आह 6000 DE है, इसको कर दूं क्या मैं अटैक? लेकिन इसमें बहुत कम है लग्जर है यार। आई लव यू टू जुनैद। अरे आर्यन क्या बात करते हो यार, इतना तो कर ही सकता हूँ, तुम तो अपना टाइम दे रहे हो मेरे लिए, तो इतना तो कर ही सकता हूँ भाई। मेरे भाई आई एम बैक सुपर सेल। हाँ भाई सर, हमारे यहाँ सीओसी के लिए मारपीट क्या है? अरे इस पे लूट अच्छी है, कर दूं क्या अटैक? मैं इस पे मैं अटैक कर देता हूँ भाई। इज इट लाइव रियली? यस मैन, रामदास गडेकर, आई एम लाइव एंड आई एम टेकिंग योर नेम, आई एम रीडिंग योर कमेंट। चलो चलो ओ, क्वीन की एबिलिटी गई, सिंगल इन्फर्नो था क्या? अरे मैंने ध्यान नहीं दिया, स्टार्टिंग में मैं देख लेता हूँ कि सिंगल है या नहीं। सिंगल जब होता है ना तो एबिलिटी मैं ध्यान से मारता हूँ, लेकिन मेरे को लगा मल्टीपल है, मैंने मिस्टेक कर दी और मेरी क्वीन गई। ठीक है कोई बात नहीं, होता है ऐसा। मेरे यहाँ 10G इंटरनेट कनेक्शन है। अरे बढ़िया, आई सेड यू ब्रो डोंट डू। अरे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे चैलेंज लेना चाहिए।
पॉइजन। तुझे चाहिए क्या और बता। डार्क मैंने लूट लिया, एलेक्जर मैंने लूट लिया, गोल्ड रह गया थोड़ा, तो गोल्ड को गोली मारो भाई। स्केलेटन चाकू चला रहे हैं, कत्ल कर देंगे मेरे हीलर का। ऐसे ऐसे चाकू चला रहे हैं चारों तरफ से, चाकूबाज हो रहे हैं सब। निषाद भाई, आई एम योर बिगेस्ट फैन। निकाश निषाद भी, थैंक यू सो मच। स्वैग वाली पॉइजन। प्रभात भारती, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग ऑन माय वीडियो, जो मैंने ट्रैकिंग वाली वीडियो तुम्हें दिखाई थी। थैंक यू सो मच ब्रदर। भाई लूट के लिए कौन सी लीग करनी चाहिए, कौन सी लैंग्वेज करनी चाहिए? लैंग्वेज का तो मुझे मुझे लगता है कि नॉक्स अच्छा रहता, पोर्तुगीज भी लोग बोलते हैं अच्छा रहता। वैसे मैंने ट्राई किया है कि इंग्लिश में भी मिल जाता है लूट। वेयर इज योर ग्लासेस? टाइम आ गया क्या ग्लास पहनने का? आर्यन यादव, मैं आगे हूं। किसने कहा कि मैं आगे नहीं हूं? नवारा स्वैग। रियल मैड्रिड विल विन, रोनाल्डो इज गोइंग टू टेक ऑफ हिज शर्ट। ओके, अब आज मुझे पता चल गया स्केलेटन चाकू चलाते। ऐसे ऐसे चलाते भाई। केम छो एकदम मजा में भाई, एकदम एकदम चोखा। चलो ट्रुप्स होने दो, एक बिल्डर बेस में अटैक कर दूं मैं तब तक। मैं आज DSLR खरीदूंगा, ऑल इन वन चैनल। कौन सा खरीदोगे भाई? कौन सा खरीदोगे? 80D ले लियो, सबसे अच्छा प्राइस के मामले में भी और क्वालिटी के मामले में 80D काफ़ी बढ़िया है। ऐसे मिररलेस कैमरा ले सकते हो, ठीक है, सोनी का ले सकते हो। सोनी का बहुत अच्छा मिररलेस कैमरा आता है। TH9 के लिए भाई क्रिस्टल में ही अच्छा है, क्रिस्टल 3 क्रिस्टल 2 में अच्छा लूट मिल जाएगा। कोई बात नहीं, जीतेगी आज CSK। हेलो भाई मनीष, ट्रॉफीज के लिए लैंग्वेज? कोई लैंग्वेज नहीं, ट्रॉफीज जब लीजेंड जाओगे उसके बाद रो दोगे, टाइटन जाने के बाद रो दोगे, मिलेगा ही नहीं कुछ, बेस ही नहीं मिलेगा। ATD का एग्जैक्ट प्राइस मैं बताऊं, उसका जो कॉम्बिनेशन आता है ना, कॉम्बिनेशन अगर तुम उसके साथ लेंस लेना चाहते हो, ठीक है, मतलब अगर दो लेंस लेना चाहते हो, किट लेंस तो एक आता ही है शायद, तो अगर तुमसे मतलब लगभग 80,000, 82,000, 85,000 के लगभग में मिल जाएगा तुम्हें ATD। मेरे पास है सोनी अल्फा 6500, मिररलेस कैमरा है, उसका सेंसर बहुत बड़ा है और उसका जो फोकस टाइम है ना, जो शिफ्ट फोकस होता है, फोकस शिफ्टिंग का जो टाइम है, इनक्रेडिबल फास्टेस्ट, इतना तेज और तुम देखोगे नहीं। मतलब ऐसे करके तुम कर रहे हो ना, रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो ऐसे करोगे ना, तो ऐसे फोकस होगा, मतलब इतनी तेजी से फोकस होता ना कि रियल टाइम लगता, बिल्कुल रियल टाइम फोकस, जैसे आंखों से फोकस करते हो ना कि यहां देखा फोकस, वो देखा फोकस, वैसा ही होता, वो बहुत अच्छा होता। कैमरा दिखाओ, दिखा दूंगा भाई, अभी तो मैं रखा हुआ है, मैं दिखा दूंगा, अभी हाथ पैड लेकर बैठा नहीं हूं मैं दिखा दूंगा बाद में। ऑल इन वन, हेलो भाई, मेरे पास कैनन 1300D है। ठीक है, तुम 1300D भी तुम जहां तक बात है सीखने की तो सीख सकते हो उससे, काफ़ी ठीक है, मतलब बेसिक जो स्टार्ट होता है DSLR, जहाँ से वहाँ से 1300D, मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए तुम सीखना चाहते हो उसके लिए बढ़िया है भाई। TH6 के लिए इंग्लिश ही सही है, तो इंग्लिश में ही कर ले भाई। मेरे क्लान में कब आओगे विनोद भाई? तुम्हारे क्लान में भी आऊँगा भाई,
तुम ही ने अभी रिक्वेस्ट किया था ना विनोद भाई, ये वाला रिक्वेस्ट तुम्हारा ही था ना, वो वाला जो विनोद नाम से था, स्नाइपर विनोद। आ जाऊंगा भाई, मॉन्स्टर एनर्जी ना, मैं आ जाऊंगा। अरे ड्रैको भाई वेलकम। अरे एक बंदे को क्लिक कर दिया क्या हो गया वही मैसेज है। ठीक है ठीक है ठीक है सुमन, कोई बात नहीं, थैंक्स फॉर द टिप्स। हाँ भाई, और कैमरा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि क्वालिटी ऑफ फोटोग्राफी, एक विज़न होना चाहिए फ़ोटो खींचने के लिए और वीडियो बनाने के लिए। भाई मैं लेक्सोट्रूप्स मैक्स कर रहा हूँ, DE का कोई काम नहीं है, क्या करूँ? तो DE का कोई काम नहीं है, लेक्सोट्रूप मैक्स कर रहे हो तो डार्क लेक्सर का अटैक करो तो तुम्हारा एलेक्जर बचेगा, अगर एलेक्जेट्रूप मैक्स कर रहे हो तुम, समझ रहे हो? आई हैव DSLR कैमरा, नाइस, थैंक यू सुमन, डैश सुमन भाई। भाई डैश सुमन थोड़ा जायंट और रेज बना के रखियो भाई मेरे लिए, जब तक मैं लाइव करूंगा। थैंक यू सो मच, अगर तुम कोई तुम्हें दिक्कत ना हो तो बना के रखियो भाई। भाई आपका कितना सब्सक्राइबर है? बहुत है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि जाकर सब्सक्राइब कर लो फटाफट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हेडफोन में क्या सुन रहे हो बोलो? हेडफोन में मैं मोस्टली मैं माइक यूज करता हूँ, और बीच बीच में मन होता तो गाना भी सुन लेता हूँ आई लाइक ऑल्सो, थैंक यू सो मच राकेश भाई लाइक करने के लिए। कीर्ति चोपड़ा हेलो, कैन यू शो मी लून्स एंड रेज अटैक ओनली, ओनली लून्स एंड रेज। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है TH लेवल के लिए लून्स एंड रेज ओनली शो करना, क्योंकि क्वीन वॉक के साथ लावा लून होता है इधर, वो TH6 TH7 जैसा नहीं है कि तुम TH8 जैसा कि सिर्फ लून कर लोगे तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लून से सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, तुम्हें लावा देना होगा, लावा के बिना काम नहीं बनेगा। भाई मैं आज तुझसे ग्लोबल में मिला था जतीश, नहीं मैं ग्लोबल नहीं गया था, ग्लोबल में जाता तो मैं डायरेक्ट आया हूँ लाइव। अच्छा एक मिनट में ट्रूप्स हो जाएंगे मेरे, फिर मैं अटैक को चलूँगा, बातें तो होती रहेंगी बीच में, एक 12 सेकंड में, अच्छा अभी है टाइम। और यहाँ पर अपग्रेड की बात करूँ तो अब मैं क्या अपग्रेड करूँ, मैं सोच रहा हूँ पेक्का ही अपग्रेड करूँ, लेवल 10 कर लूँ पेक्का, क्या बोलते हो? लेवल 10 के लिए लगाऊँ जमा करके एलेक्जर? हेलो मेरी बात का रिप्लाई दो राकेश दास। हाँ भाई बोलो ब्रो, टुमारो आई विल रिलीज वीडियो ऑफ यूट्यूब जर्नी ऑफ ड्रैको गेम्स। ओके ब्रदर, आर्यन यादव 3 सब्सक्राइबर्स हैं आपके अभी हाँ तुम मेरे चौथे सब्सक्राइबर बन जाओ आर्यन ठीक है 3 ही सब्सक्राइबर है मेरे चलो ट्रूप्स हो गए? हाँ हो गए, 50 सेकेंड और बाकी है। गेमिंग विद लेजेंड प्रतीक, हाँ भाई रिप्लाई दे रहा। शिवांग सिंह, क्या मैं सोमे बोम, शुभ डे एवरी डे, शुभा डे एवरी डे। COC हीरोज, क्या हो गया भाई, क्यों गाली दे रहे हो? भाई मम्मी ने भी डाटा जेम्स खरीदने पर, मम्मी को पता नहीं है वॉर अटैक फेल हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं क्या किया तुमने, मैं देखता हूं, रुक जाओ। क्वीन वॉक से स्टार्ट किया, अरे सुनो अभी मेरे को बताओ तुमने क्वीन वॉक सही किया। हाँ तो सबसे पहले तुम्हें CC साइड से ही कर लेना था ना, CC साइड से करते वॉल ब्रेकर डाल देते, तुम्हारी क्वीन मर रही है क्या, बच गई, लेकिन आ गया CC से निकल ही गया। तो क्वीन वॉक तो तुम्हारी सही हुई थी भाई सुमन, काफी अच्छी क्वीन वॉक करी थी, वॉल ब्रेकर नहीं लगे थे क्या तुम?
अभी दे देना था ना वार ब्रेकर, अंदर चले जाता। हाँ अब दिया तुमने, ठीक है। एक और रेज, एक और रेज। हाँ भाई बहुत ज़्यादा हिट कर रहे हैं, तुम्हारी गलती नहीं है, ये बहुत हाई क्लास हिट हो रहा था तुम्हारी क्वीन पे, मतलब अनइमेजिनेबल हिट हो रहा था। देख रहे हो, तीन तीन एक साथ एक्सबो अगर लग जाए तो चटनी, चार चार एक्सबो एक साथ, भाई साहब कितना भी तुम डाल लोगे तुम्हारा मुश्किल है। तुम्हें तुमने बहुत सस्टेन किया फिर भी, ठीक है। बेस बहुत टफ था, आसान बेस नहीं था, हो जाता वैसे 3 स्टार तो हो ही जाता, तुम तो कर ही देते। सेंटर में एंट्री इतनी अच्छी ली तुमने। एक स्पेल और रहता ना तुम्हारे पास, तुम्हारे पास अगर एक स्पेल और रहता, एक रेज स्पेल और, तो हो जाता। मुझे लगता है कि एक रेज स्पेल और हरने से हो जाता, क्योंकि तुम्हारे जो बॉलर मरे ना यहां पर, वो नहीं मरते। तीन चार जो बॉलर मर गए ना, पांच बॉलर, वो नहीं मरते तो तुम्हारा काम हो जाता। तो यहां पर तुम रेज मारते, ओह सारे बॉलर मर गए, यही रीजन हुआ। एक रेज रहता ना तो हो जाता तुम्हारा, तुम्हारा वो जो हिट खा रही थी कोई ना, इस वजह से तुम्हारा बहुत लॉस हो गया। उल्टा साइड से कर दिया, हाँ मेरे को भी लग रहा था इस साइड से करना था तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम्हारा क्वीन वॉक सही गया था, कोई खराब नहीं था। तुम्हें जब तुम्हारा मर गया था सारा कुछ, तो तुम्हें ईगल साइड से कर देना चाहिए था, मे बी मेरे को लग रहा। क्वीन को बचाते बचाते सारा स्पेल चल गया, हाँ वही हुआ। लेकिन अच्छा अटैक है यार, ये कोई खराब अटैक नहीं, ये कोई मामूली बेस नहीं था। तुम दीवारें देख रहे हो, चमक रही हैं चारों तरफ। मेरे को लगता है कि तेरे पर तो इतना भी नहीं कर पाएगा, तेरा तो डिफेंड कर ही देगा। कितना परसेंट किया है तेरे पे? 50% किया है ना, तुमने 65 किया, अभी तो तुम प्रॉफिट में हो। मे भी कोई अगर 50 से ज़्यादा कर दे, 65 से ज़्यादा कर दे, तब तुम्हें प्रॉब्लम हो गई। द डिफेंस बेस वीडियो दैट यू मेड वर्क्स विथ TH10 बिल्डिंग्स ऑल्सो। अरे वो TH10 का ही है, मैंने उसको मॉडिफाई किया TH11 में। भाई फ्री जेम्स का तो मेरे को नहीं पता, मेरे को तो खरीदना पड़ा। विक्रम नंदी मैं अच्छा हूँ भाई, तुम लोग कैसे हो? कैसे हो भाई लोग, तुम लोग अच्छा है ना सब कुछ? कल रात के स्ट्रीम पर सब भाड़े के चट्टू दूध पीकर सो गए थे, अभी उठ गए। हाँ आज हमारे क्लैन में वॉर जीत ली है, वॉर विन स्ट्रिक 11 हो गया। अरे भाभा को गई, नाइस मैन। देखो इसमें अच्छी लूट है, एलेक्जर अच्छा है, तो इसको मैं कर दूंगा अटैक, मैं कर दूंगा। तो फनलिंग तो हो गई सेंटर पे, लग तो रहा है सेंटर पे ट्रूप्स जाएंगे। बाहर ना निकलियो यार, ये जंप का एक लॉस ये भी होता कि ट्रूप्स बाहर निकल जाते। अरे जायंट मेरे भाई कहाँ जा रहे हो? ओह यही बाकी, यही देखना बाकी रह गया था, और कुछ नहीं, बस यही देखना बाकी रह गया था। हद है यार, क्या किस्मत है, जैसे रेज डाला वैसे हीलर मर गया। थोड़े से बॉलर बचे हुए हैं अभी मेरे, तो साइड क्लियर तो कर ही देंगे, लेकिन माय क्वीन इज अबाउट टू डाई।
नाइस बेस भाई, ही बिल्ड इट लॉजिकली. यस हेलो ब्रो. माई सीरीज क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? माई सीरीज का मैंने, भैया कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ भाई, माई सीरीज एकदम फर्स्ट क्लास. तुम कैसे हो ये बताओ. नेक्स्ट क्लैन गेम रिवार्ड बताओ. अभी आया नहीं है भाई, मेरे पास आया रहता तो मैं तुम्हें ड्रैको गोलन प्लस लून प्लस ड्रैको प्लस गोलन प्लस लून इज इक्वल टू ड्रैगन. ड्रैगन अच्छा नाम है. फिर से लीग मेरी बढ़ गई, फिर से मुझे डाउन करना होगा भाई. म्यूजिक लगा दे, म्यूजिक बंदे को म्यूजिक चाहिए. सब्सक्राइब करो फटाफट, मैं म्यूजिक लगा रहा हूं. कौन सा म्यूजिक लगा दूं मैं? ये रहा तुम लोगों का फेवरेट एनसीएस लाइव. ट्वेंटी फोर आवर्स लाइव स्ट्रीम करता है, सोचो तो कितना टैलेंट है मेरे में. 24 आवर्स करता हूँ. अमेजिंग क्लैशर भी मेरे को भेजा है. अमेजिंग क्लैशर में आ जाऊंगा भाई, अभी नहीं भाई सॉरी, अभी मैं सुमन के यहाँ कुछ दिन रहूंगा. उस बंदे ने किक किया मेरे लिए तो वो डिजर्व करता है कि एक दिन तो कम से कम रहूं मैं इसके पास. रात की उसकी वो करूंगा मैं, वॉर का लाइव स्ट्रीम करूंगा उसके लिए. मैक्स कैसे करें बेस को? तुम्हें अटैक ज्यादा करना पड़ेगा. लीग चेंज करो अपनी क्रिस्टल लीग में और टी सीरीज का म्यूजिक. ठीक है भाई, लगा दूंगा. ये मेरा ही अकाउंट है जिसको किक किया, मेरा 14 आईडी है क्लैन में. अरे भाई मेरे, अकेले ही क्लैन बना लेते तुम 50 आईडी बना के. ओ कितना खेलते हो सी ओसी भाई. मैंने सीओसी लीव कर दिया. क्यों भाई, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा सीओसी ने? टाइम ले रहा था बहुत भाई. टी सीरीज का ही म्यूजिक है, देखो इसमें बीच बीच में टी सीरीज बोलेगा. टी सीरीज TH8 के लिए गोल्ड वन भाई. मुझे आपके क्लैन में आना है शिवाजी शर्मा. पहली बात तो ये मेरा क्लैन नहीं है, ऊपर से एकदम टाइट पैक क्लैन है ये, तो बड़ी मुश्किल होगी. डेस्पासिटो नहीं बजा सकता भाई. यस ब्रदर सीजन, यस मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड सॉन्ग ले लो भाई, खरीद लो मैं उसे और यूज करूं मैं. तो ट्रुप्स मुझे मिल गए हैं और मैं काम करता हूँ, थोड़े टाइम में लीग डाउन करूँगा मैं. 21 पायलट्स भाई, कोई भी कॉपीराइट का सॉन्ग नहीं बजा सकता मैं. अभी चश्मा मैंने अभी थोड़ी देर पहले नहीं पहना था, काफ़ी देर तक. खरीद भी सकता है क्या? हाँ तुम सॉन्ग्स के कॉपीराइट वाले वो खरीद सकते हो, राइट्स खरीद सकते हो सॉन्ग के, फिर तुम यूज कर सकते हो उसको. जेम्स लाने की एक वीडियो बना दो. ठीक है बना दूंगा, मैंने ऐसे वीडियो डाली है खरीदने वाली, मैं डिटेल में बना दूंगा कि कैसे मैंने जेम्स खरीदा है, उसकी वीडियो डायरेक्ट बना दूंगा मैं.
तो जो लोग नए हो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टीएच 11 के लिए लिख बताओ। क्रिस्टल कटप्पा कहाँ है भाई, बाहुबली को बैकअप कर। ट्रूप्स के बारे में बात करो तो ऑलमोस्ट हो ही गए, 4 मिनट और बाकी है। और बिल्डर बेस में ये वाला मैं जीता कि हारा देख लेता हूँ। 50 हुआ, 62 जीत गया मैं। डिफेंस अच्छा चल रहा है मेरे पे, क्या बोलते हो? अभी मैंने बनाया नहीं, एक बंदे ने मेरे को भेजा है, मैं बना दूंगा भाई तुम्हारा बेसमेंट लेआउट रख दूंगा। तो इसने क्या अटैक किया मैं देखता हूँ। अटैक खराब तो नहीं है, ठीक ठाक है। ओहो मेरे क्रशर ने तो एकदम चटनी कर दी। ये ले, अभी देखियो अभी देखियो ये। ओ मेरे क्रशर ने जबरदस्त हड्डियां निकाल दी, आत्मा उड़ रही उसकी। भाई TH9 का डालना वॉर स्ट्रैटेजी? हाँ भाई डालूंगा, अटैक स्ट्रैटेजी बिल्कुल डालूंगा, TH9 का भी डालूंगा। हो गए क्या ट्रूप्स? बस 3 मिनट और। इधर कितना टाइम बचा है? इधर भी 3 मिनट बचा है, तो 3 3 मिनट और। मैं देखता हूँ अभी रिप्ले देख लेता हूँ एक दो। डेक्स्टर पर उन्होंने 2 स्टार 3 स्टार कर दिया है, तो ये रिप्ले देख लूँ कैसा अटैक किया है। बोविच किया है, अच्छी बात है। नाइस बोविच स्टार्ट किया, जिनको बोविच की स्ट्रैटेजी देखने देख लो भाई। बोलो टैग सर, मैं बोल रहा हूँ नीचे है भाई, डिस्क्रिप्शन में टैग है, मेरा टैग डिस्क्रिप्शन में। हाउ टू गेट मोर लूट, कम टू क्रिस्टल लीग। सब्सक्राइबर क्यों छुपाता है? क्योंकि मेरे को मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। एंड्रो गेमर मेरे को गाली दे रहा है, तो जरा इसका चैनल का स्क्रूटनी हो जाए, है ना? देखता हूँ क्या औकात है बंदे की। तो भाई साहब जो एंड्रो गेमर हैं वो मेरे को जो गाली दे रहे हैं, इनके पास 16 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है? और बंदे ने पूरी ज़िंदगी में 3 वीडियो डाली है अपनी, ठीक है? और उस 3 वीडियो में एक में 10 व्यू है, एक में 23 व्यू है, एक में 34 व्यू है, और दो दो तीन तीन महीने पुराना वीडियो, ठीक है? तो भाई साहब पहले 10 वीडियो तो डाल लो अपने अकाउंट में, पहले कुछ सब्सक्राइबर तो गेन कर लो, पहले औकात तो बना लो अपनी, उसके बाद गाली देना मुझे। अरे भाई साहब, तो ये भाई साहब जो एंड्रो गेमर है उन्होंने पूरी जिंदगी में 3 वीडियो बनाई है, 2 महीने पहले 3 वीडियो डाली थी, जिसमें 30 30 34 34 व्यू हैं। तो मेरे को पता है तुझे जलन तो हो रही है भाई, क्योंकि जलन होने का रीज़न ये है कि मैं एक बार लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो मेरे 10,000 से ऊपर व्यू आते हैं, दिन भर में मैं 20,000 से ऊपर व्यू लेता हूँ। और जितने तूने सपने नहीं देखे होंगे उससे ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर गेन होते रोज़, तो जलन तो तुम्हें होगी ही, मेरे को पता है। तो मेरे को बहुत सिंपैथी है तुम्हारी इस सब्सक्राइबर वाली गरीबी से, तो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी गाली देने का रीज़न, मैं समझ गया। तो पहले कुछ सीख लो मेरे भाई एंड्रो गेमर, कुछ सीख लो थोड़ा, 4 वीडियो बना लो, 3 वीडियो में उछल रहे हो, जिंदगी में पूरी जिंदगी में 3 वीडियो डाली तुमने, मैं रोज़ तुमसे ज़्यादा वीडियो डालता हूँ, 3 3 4 4 मिनट, कितने मिनट की वीडियो है इसकी? इसकी वीडियो है एक 4 मिनट की, एक 2 मिनट की, एक 5 मिनट की, टोटल है 5 4 9 9 2 11, 11 12 मिनट की वीडियो है इसकी, पूरी करियर की, पूरी जिंदगी में इसने 12 मिनट की वीडियो बनाई है। मैं एक स्ट्रीम करता हूँ 3 घंटे की, और ये मेरे को सिखा रहा आके कि भाई ये करो, और मेरे को गाली दे रहा। मैं तेरी फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ मेरे भाई,
समझ सकता हूँ, मेरे को सिंपैथी है तुम्हारे साथ, तुम्हारी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी गरीबी मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारा तुम्हारा भिखारापन मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे जो भिखारीपन है ना, वो जो अंदर में जो तुम्हारा मचा हुआ है, हाँ भाई अक्षत क्या बोल रहे हो, वो मैं समझ सकता हूँ बेचारा। एक एक लाइव स्ट्रीम की भर की औकात नहीं, मेरे एक लाइव स्ट्रीम की औकात नहीं उसकी। देखो मैं किसी को खराब नहीं बोलता, किसी के व्यू की वजह से उसको खराब नहीं बोलता, किसी के सब्सक्राइबर की वजह से उसको खराब नहीं बोलता। जब लोग आकर मुझे गाली देते हैं, मुझे टीज करते हैं, तो मैं फिर उनकी लेता हूँ। तो अगर रोस्टिंग तुम्हें करवानी है तो दो गाली, मैं तो भर के रोस्टिंग करूंगा तुम्हारी, अच्छे से लूंगा तुम्हारी। अरे शिवा क्या, तुम तो अच्छे बंदे हो यार, तुम तो जो भी कर रहे हो मेहनत से कर रहे हो यार, तुम किसी को टीज नहीं करते यार। ठीक है, अगर तुम्हें मेरा लेवल देखना है तो यहां देखो, जो वीडियो में बनाता हूं उसको देखो, अभी मैंने जो पोस्ट किया है वो देखो। भाई तुम्हारे तेरे 4000 आवर्स का वॉच टाइम हो गया होगा ना, क्या बात करते हो यार, एक दिन में मेरा 1,00,000 घंटे से ज्यादा होता है। आई एम हैविंग 60,000, 70,000, 1,00,000 आवर्स पर डे, 4 दिन में 4,00,000 घंटे होते हैं, जो साल भर का कोटा होता है ना यूट्यूब का, वो 4 दिन से 5 दिन में कंप्लीट होता है। लाइव स्ट्रीम करता हूं मैं, वीडियो नहीं डालता, 5 मिनट के 3 घंटे की लाइव स्ट्रीम होती है, तो वॉच आवर्स मेरे आसमान में है। यूट्यूब कहाँ, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, कितना चाहिए उसको रिक्वायरमेंट। जो वीडियो मैं डाल रहा हूं, यस नॉट आवर्स मिनट्स, यस, तो तुमने 4 लाख मेरे उसने तुमने ये लिखा था ना, तुमने आवर्स लिख दिया इसलिए मैंने भी आवर्स बोल दिया, मिनट्स है तो 4 लाख मिनट है ना, दैट इज मिनट। तो नाइट स्काई टाइमलेप्स देखो जाकर, जो मैंने बनाई है वीडियो, और जाओ, मैंने कहा था मेरा एक ही चैनल ये नहीं है, दिस इज नॉट माई ओनली चैनल, ओके। तो मेरी औकात देखनी हो तो जाओ वहां, और जो वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूं वो देखो कि मैं क्या बनाता हूं और क्या मेरा स्टैंडर्ड क्या है। 4 वीडियो जिंदगी में प्रोड्यूस नहीं किया है, 3 वीडियो बनाकर बैठे हो और आकर गाली दे रहे हो, जैसे कहां के चौधरी हो तुम। राहुल पॉल, बकवास बंद करो, कुछ काम करो। तुम बताओ कौन सा काम है जो कुछ काम होता है, ये बताओ। समझ नहीं पाते रात बात को और आ जाते हैं रात को। सही, बिल्कुल नहीं भूलूंगा भाई वैष्णव, क्या बात करते हो यार, कभी नहीं भूलूंगा। मैं फिर आऊंगा यार तुम्हारे पास, तुम्हारे क्लैन में मैं जरूर आऊंगा, इतना भरोसा रखो मुझ पर। जिन लोगों का कुछ काम नहीं जिंदगी में वो दूसरे को गाली देगा। सीओसी मास्टर, ये तुमने बात बोली है ना, 1,00,000 रुपए की बात बोली है भाई तुमने, कि जिसको कोई काम नहीं जिंदगी में वही गाली देता दूसरों को बिना जान पहचान, है कि नहीं। पीटर मैकिनन एंड ड्रैको, पीटर मैकिनन बहुत बढ़िया है यार, उसकी वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी है, मैं उसको बहुत एडमायर करता हूँ, काफी बढ़िया बंदा है। द क्वालिटी ऑफ वीडियो प्रोडक्शन बहुत अच्छी है उसकी, पीटर मैकिनन की। Do you remember me? Oh, Mufid Gamers. Yes, man. I remember you. अच्छा नवीन कुमार, अच्छा अब बारी है नवीन कुमार की। कैसा लगा शायरी मोहित राणा भैया, एकदम झकास।
व्हाट इज द इनकम ऑफ योर्स? आई डोंट रिवील इनकम. देखो मैं इनकम बता के इंप्रेशन नहीं झाड़ना चाहता कि मेरा इतना पैसा आता है इसलिए मैं बहुत अच्छा हूँ, इसलिए मैं इनकम उनकम नहीं बताता, लेकिन अच्छी है, खराब नहीं है. तो नवीन भाई साहब मेरे को गाली दे रहे हैं, और जिंदगी में उन्होंने उतने उन्होंने कितने सब्सक्राइबर गेन किए ना नवीन कुमार ने, एक भी नहीं, जीरो. पूरी जिंदगी में उनके पास जीरो सब्सक्राइबर है, जिंदगी में आज तक एक वीडियो भी नहीं बनाया और आकर मुझे गाली दे रहे ओ भाई, अब एक सब्सक्राइबर तो गेन कर लो, अबे खुद के अकाउंट, एक डुप्लीकेट अकाउंट बना के, अपना फेक अकाउंट बना के अपने खुद को सब्सक्राइब तो कर लो भाई, एक तो हो जाए कम से कम, उसके बाद आके मेरे को बोलियो. ओ चलो, आप ध्यान नहीं देते, जो गाली देता उनको छोड़ो, वो उतना डिजर्व नहीं करते कि उनकी रोस्टिंग करूं मैं. इनकम कितना है भाई? इनकम हो जाता है ठीक ठाक. मैं बताया ना, मैं इंप्रेशन नहीं झाड़ना चाहता इनकम बता के, आई डोंट लाइक दैट. मैं सब्सक्राइबर बता के इनकम इंप्रेशन नहीं झाड़ना चाहता, मैं इनकम बता के इंप्रेशन नहीं झाड़ना चाहता. अगर कोई मेरे से पूछता है कि क्या स्कोप है कमाने का यूट्यूब में, तो मैं बोलूँगा बहुत बहुत स्कोप है, और सब्सक्राइबर भी गेन अच्छे होते हैं, वीडियोज़ भी अच्छी चलती हैं अगर कंटेंट अच्छा है तुम्हारा. तुम्हें बात करना आता, तुम लाइव स्ट्रीम करते हो, तुम वीडियोज़ अच्छे बनाते हो. If you know how to talk, you are going to gain money. You are going to earn money. You are going to gain subscribers. Don't worry. अगर तुम्हें motivation के लिए जानना है तो मैं बता दूं कि go for it. Thumbs up. भाई जी सेकंड चैनल का लिंक बताओ. मैंने अभी तो वीडियो दिखाया था ना लोगों को, लिंक तो डाला होगा, एक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो, वीडियो का लिंक दिया हुआ है, माई ट्रैकिंग वीडियो, वो देख सकते हो. हाउ डू आई गेट व्यूज़ लाइक यू ड्रैको एक्सट्रीम ग्रेम प्लेयर? भाई मेहनत करनी होगी, एक दिन में नहीं आता, कुछ टाइम स्पेंड करो, कुछ बढ़िया वीडियो बनाओ, कंटेंट अच्छा जनरेट करो, मिल जाएगा. यूट्यूब के अलावा क्या करते हो? ट्रैकिंग करता हूँ, माउंटेन क्लाइंबिंग करता हूँ मैं, मेरे को अच्छा लगता है वो, आई लाइक दैट. और मैं टाइम लैप्स बनाता हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ, ट्रैवल वीडियोस देखा है? पीटर मैकेनन को जानते हो भाई? वो वीडियो में तारे दिख रहे हैं. हाँ भाई, टाइम लैप्स है वो, गैलेक्सी का टाइम लैप्स है, मिल्की वे गैलेक्सी को शूट किया है. उसे शूट करने में टोटल लगे हैं -15 डिग्री सेल्सियस में बैठ के मैंने शूट किया है 7 घंटे तक, 7 आवर्स की मेहनत है वो, तब वो वीडियो बनी है 40 सेकंड की. सर आप हिमाचल से हो? नहीं, मैं हिमाचल विजिट करता हूं, मैं इंडिया के हर पार्ट को विजिट करता हूं, मैं बहुत जगह जाता हूं. साहिल चौधरी, हाँ भाई बात हुई थी तुमसे. दीपक, ट्रूप्स अपडेट कर ली? भाई ट्रूप अपडेट के लिए अभी डाला नहीं है, मेरे को डार्क चाहिए, अभी 1,04,000 ही डार्क हुआ है. मेरे को लगता है कि अब बंद करना होगा डार्क एलेक्जर यूज करना, अब ट्रूप में यूज नहीं करूंगा डार्क, अब माइनर करूंगा. भाई अगर सुमन भाई मेरी बात सुन रहे हो तो भाई थोड़े माइनर बना दो भाई मेरे, अब मेरे को शायद जायंट नहीं चाहिए होगा, क्योंकि तो मैं अब माइनर से अटैक करूंगा, क्योंकि मेरे को डार्क कलेक्ट करना है ना, अब मेरे को डार्क कलेक्ट करना है. भाई यार लूट, बेस्ट लूट दिखाने का कोई तरीका बताओ यार. बेस्ट लूट लेने का तरीका है कि तुम लीग चेंज करो अपनी, क्रिस्टल लीग में आ जाओ, गोल्ड लीग गोल्ड वन में आ जाओ. भाई जेम्स दिखाओ, दिख तो रहा है भाई. आई एम फ्रॉम शिमला हिमाचल प्रदेश, बहुत अच्छी जगह है वो. हेलो भाई मेरे. सर मैं हिमाचल से हूँ, फिर से आयो तो मिल लेना प्लीज़. कार्तिक बिल्कुल मिलूंगा, 004 पक्का मिलूंगा भाई तुमसे. मैं बहुत हिमाचल विजिट करता हूँ, अभी मैं
सोच रहा हूँ कि हर की दून ट्रैक पर जाऊँ, मे बी वैली ऑफ फ्लावर्स भी जा सकता हूँ, उसकी शूटिंग करनी है मुझे हिमाचल में। वैली ऑफ फ्लावर्स अच्छा रहता है, काफ़ी बढ़िया है ब्रो। आई एम ऑल्सो माइनर अटैकर, माइनर मजेदार है यार। अरे तुम वेस्ट बंगाल से हो? मैं वेस्ट बंगाल में रहा हूँ भाई, कोलकाता में। आप और गोल्डी एकदम सही हो बॉस। प्लीज प्ले ड्रैको डेड अकाउंट, पहले उसको भी खेलूंगा भाई, उसको भी प्ले करूंगा, टेंशन ना लो। आपका कितना सब्सक्राइबर है इस चैनल में? तो बहुत है। 12 लेवल की वॉल कितने में हो रही है? 40 लाख। दो वॉल कर पाओगे, एक बार 1 करोड़ जमा होगा ना तो 2.5 वॉल होगा तुम्हारा। अमृतसर से हो? अरे अमृतसर ही तो क्रॉस करके जाता हूं। TH8 पुशिंग टिप्स, गो वाइप, भयंकर अटैक यार तुम, बेस्ट लूट। अच्छा मैं करके बताता हूँ, ठीक है देखते रहो, अभी तो अटैक होगा ही। एक मैं बिल्डर बेस में भी अटैक कर लूँ। टाइम कितना बचा हुआ है यहाँ? 2 मिनट बचा हुआ है। और इसमें टाइम कितना बचा हुआ है? इसमें 4-5 मिनट बचा हुआ है। अच्छा बूस्ट खत्म हो गया इसीलिए टाइम लग रहा है। चलो हो गया, शाबाश। तो मैंने बूस्ट मार दिया, तो टोटल टाइम कितना लगना है अब हीरोज में? 4 मिनट लगेगा, 4-5 मिनट, ठीक है। आई एम फ्रॉम दिल्ली सर। सर बीर बिलिंग में पैराग्लाइडिंग साइट में आना सर? अरे मैंने पैराग्लाइडिंग वहाँ सोलांग वैली में पैराग्लाइडिंग की थी, ठीक है, हाई सबसे ऊपर वाली, हाइट वाली, जो सबसे ऊपर से जो नहीं छलांग लगाते पैराशूट, वो पैराग्लाइडिंग करते वहाँ से, तो वहाँ से मैंने की थी। और बीर बिलिंग का मेरे को अभी प्लान मैंने बनाया है, मैं जा सकता हूँ बीर बिलिंग। आई एम फ्रॉम जम्मू कश्मीर, बड़ी अच्छी जगह है यार जम्मू कश्मीर। भाई गाना वॉल्यूम बढ़ा। भाई ये नॉइज रिडक्शन, ये माइक बहुत हाई क्लास है, ये नॉइज रिड्यूस कर देता। तो साउंड मैं कितना भी बढ़ा दूं सुनाई तो तुम्हें नहीं देगा, जितना दे रहा उतना ही सुनाई देगा। इस क्लैन का तो लेवल मुझे लगता है 15 होगा। हाँ 15 है, बॉर्न टू विन। कॉम्बो हीलर प्लस बोलर प्लस विच प्लस किंग क्वीन 3 स्टार फुल 50। हाँ भाई आई एम ऑल्सो फ्रॉम जम्मू कश्मीर, शिमला, हिमाचल, बेंगलोर, राजस्थान, असम। मैं दिल्ली से हूँ भाई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है ड्रैको, ड्रैकुला। ब्रो आई एम वॉचिंग दिस स्ट्रीम फ्रॉम कैलिफोर्निया स्पेशली फॉर यू, आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स। साहिल राय थैंक यू सो मच ब्रदर, आई लव यू। एंड्रो गेमर आ गया फिर से, तीन तीन वीडियो वाला। अरे एक वीडियो तो और बना ले, 5 वीडियो तो कर ले कम से कम, औकात हो कुछ बात करने की। गाली दे रहा इधर आके। हाँ भाई एक बार लीजेंडरी में तो पक्का जाओ, मजा आता है भाई। तो मुझे इग्नोर करा वंश भाई, नहीं भाई बिल्कुल नहीं। गॉबलिन अटैक करो, करूंगा भाई बिल्कुल। दिखा रहा जट साहब, रुक जाओ, ट्रुप्स हो रहे हैं मेरे, 4 मिनट में ट्रुप्स हो जाएंगे, फिर मैं अटैक करके दिखा दूंगा। अभी यहाँ पर तो मेरे ट्रुप्स कंप्लीट हो गए 14 सेकंड में, तो एक अटैक मैं यहाँ भी कर देता हूँ। गॉब्लिन अटैक मारो, मार दूंगा भाई। यूके का हूँ, राम कुमार सिकरवार, बढ़िया भाई, नाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई स्ट्रीम। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। देखो अगर किसी के व्यूज नहीं है और वो मेहनत कर रहा है, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उसका, कि किसी के व्यूज नहीं है और वो मेहनत कर रहा, अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा, लाइव स्ट्रीम जा रहा, कुछ अच्छा कंटेंट तैयार कर रहा और मेहनत कर रहा कि ये आ जाए मेरे पास, व्यूअर आ जाए, सब्सक्राइबर आ जाए, तो मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं उसकी। लेकिन अभी बंदे के पास 4 वीडियो नहीं है ढंग की, 3 वीडियो बनाई है उसने, और आकर मुझे गाली दे रहा है कि ये तू क्या कर रहा है, तेरे को कुछ नहीं आता, ये नहीं आता,
अबे सपने में नहीं देखा होगा, उतने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उतने मेरे व्यूज हैं, उतने मेरे चैनल्स हैं। जितने तेरे सब्सक्राइबर नहीं है ना, उससे ज्यादा मेरे चैनल्स हैं। नंबर ऑफ चैनल्स इज मोर देन योर सब्सक्राइबर। हाउ डे यू टॉक टू मी लाइक दैट। जितने तेरे सब्सक्राइबर नहीं, उससे ज्यादा मेरे पास चैनल है। बेवकूफ लड़के। नहीं भाई, ब्रार भाई को इग्नोर करूंगा। तुम्हारे पास कोई और एक बेस है। आप जनरल टोनी की वीडियो देखते हो कभी कभी, कभी कभी। ये एयरफोन मेरे पास भी है, हाइपर एक्स है ना, झकास एकदम झकास हेडफोन भाई। इंजीनियर और मेडिकल ऑप्शन कौन सा लूं भाई? जिसमें तुम्हें मन है, जो अंदर से तुम्हें इच्छा होती है ना, तुम्हारे मन में जो है। अगर तुझे डॉक्टर बनने का मन है तो डॉक्टर बन, तेरे को इंजीनियर बनने का मन है तो इंजीनियर बन। मन की बात सुन, मन की बात सुन, तब तू मेहनत कर पाएगा उस पर। अगर तेरा इंटरेस्ट होगा तभी तू मेहनत कर पाएगा। अच्छा और खराब वही होता है। अगर तुम किसी भी चीज़ को अचीव करते हो तो वो अच्छा हो जाता है। अगर तुम बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे बहुत अच्छी बात होगी, बहुत अच्छा इंजीनियर बनोगे बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अगर तुम्हारा मन नहीं है, मैं तुम्हें बोल दूं कि एमबीबीएस तुम करो, उसके लिए तैयारी करो, तो तुम्हारा मन नहीं है तो तुम कुछ दिन तक करोगे जोश में, फिर छोड़ दोगे। तो जिसमें इंटरेस्ट होता है वही कंटिन्यू कर पाओगे बहुत लॉन्ग टाइम तक। जिस चीज़ में इंटरेस्ट है तुम्हारा, वो बिना मेहनत के तुम कर पाओगे, बिना एफर्ट लगाए। मजा आएगा तुम्हें करने में, है ना। अटैक कर रहा हूँ भाई, ट्रुप्स होने दो मेरे। तो मैं बोलूंगा कि जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है वही करो तुम। मुझे 1 करोड़ रुपीज उधार दे दो। भाई 1 करोड़ एक हक के सिक्के दूंगा, ले जाओगे बोरे में भर के? हाँ भाई, खाना खा लो तुम जाकर, मैं थोड़ी देर में खाऊंगा, 2 बजे तक खाता हूं मैं। भाई जो लोग नए हो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई कम लाइव एवरी डे, आई मेक इंटरेस्टिंग वीडियोज। नाइस टू मीट यू ड्रैको भाई। अरे थैंक यू सो मच ब्रदर। भाई सब्सक्राइब कर लेना, भूलना मत। एक लाख के जेम्स खरीद, जेम्स जितना बेच सकते थे उन्होंने बेच दिया मुझे। 14,000 जेम्स ही मैक्सिमम तुम खरीद सकते हो एक बार में। तो एक बार में मैंने 14,000 जेम्स खरीद ली, और उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट अभी है नहीं मुझे। फिर से रिक्वायरमेंट होगी फिर से खरीद लूंगा, अभी नहीं जरूरत है मुझे। भाई इग्नोर नहीं कर रहा साहिल राय, ऐसा क्यों बोल रहे हो यार? चेंज योर क्लैन। अभी नहीं भाई, अभी जस्ट आया हूं मैं साहिल राय, अभी नहीं कर सकता भाई क्लैन चेंज, सॉरी ब्रदर। चंद्र आई सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। भाई तू 1 लाख भी देगा तो ये गिन नहीं पाएगा। नहीं भाई गिन लेगा भाई, ऐसा क्या है, कोई बहुत ज्यादा पैसे थोड़े नहीं होते 1 लाख। अरे 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 क्या बचा हुआ है? हाँ भाई पबजी आऊंगा, इसके बाद की स्ट्रीम जो होगी वो पबजी की होगी, पबजी ही खेलूंगा नेक्स्ट बार। मानव पटेल कैसे हो भाई? शशिता खान हेलो, संयम तिवारी हेलो, क्लैशिंग विद अभी हेलो भाई, नाइस थैंक यू सो मच। प्रदीप अटैक हेलो, अटैक कैसे हो भाई? आयुष 100% यस। सोहम हेलो भाई। आर्यन भारी की चट्टू आ गया है, मुझे 1 रुपीज उधार दो। ठीक है भाई दे दूंगा। आ ट्रुप्स हो गए मेरे, चलो अटैक करते हैं, एक अच्छी लूट करते हैं। जिसको अटैक देखना था, जिसको अच्छी लूट देखनी थी, आ जाओ मैं कोशिश करता हूँ। और जब तक मेरे को लूट नहीं मिलेगी मैं ट्रॉफी डाउन करूंगा, मैं फिर से क्रिस्टल में जाऊंगा। हेलो भाई आई सब्सक्राइब, स्मार्ट स्टार थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग ब्रो। TS7 के लिए ट्रूप्स बाय ड्रैगन ही सही होता है, उसमें अगर ग्राउंड करना है तुम्हें तो जायंट और विजार्ड तुम कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, और सीसी में बॉलर लेके जायंट विजार्ड, सीसी में मैक्स बॉलर ले लो। क्लैन गेम्स का आया नहीं है कुछ इन्फॉर्मेशन, मैं कैसे बताऊं तुमको ये बताओ। इसमें डार्क बहुत कम है, मेरे को डार्क चाहिए।
कृष्णा कुमार थैंक यू सो मच भाई सब्सक्राइब करने के लिए, अच्छा खेल लेते हो, थैंक यू भाई। अरफान खान थैंक यू सो मच अप्रिशिएट करने के लिए, बस मैं खेल लेता हूँ, लोग अच्छे प्लेयर मेरे से भी हैं, अच्छे अच्छे प्लेयर हैं बहुत सारे। तशरीफ रजा हेलो भाई, हाय ड्रेको भाई, तशरीफ भाई हाँ भाई कैसे हो तुम भाई, वीडियो कौन से ऐप से बना रहे हो भाई? डिस्क्रिप्शन में सारा इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है उसका नाम है हाउ टू गो लाइव स्ट्रीम, उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है। TH10 का बेस्ट अटैक एयर अटैक तो लावा लूनी है, और ग्राउंड अटैक में माइनर कर सकते हो, बॉलर कर सकते हो, और हॉग्स यूज कर सकते हो कोलम के साथ, गोहो कर सकते हो। कौशल भाई थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग ब्रदर। नील शाह थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। ब्रॉन्ज 3 पर जाओ सौरभ रेड्डी, अरे यार भाई सब्सक्राइब। रक्षित भाई थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। हाउ मच डार्क यू आर लुकिंग फॉर? मोर देन 4K, अप्रोक्सीमेटली 5K। भाई तुम बेस्ट हो, लेकिन चकता अपने चैनल को सब्सक्राइब। हाँ भाई सब्सक्राइबर से मोटिवेशन मिलती है यार, सारा कुछ डिपेंड करता है। तो जिन्होंने नहीं करा उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मोटिवेट करो, मुझे सब्सक्राइब करो और मैं लाइव आऊँ। आई लाइक योर वीडियो। स्वप्निल बनर्जी थैंक यू सो मच ब्रदर। भाई क्लैन का नाम है बता दे रहा हूँ, एक मिनट। क्लैन है अपना बॉर्न टू विन 15 लेवल, अभी मैं नया आया हूँ इसमें। डैश सुमन करके जो इसका लीडर है वो मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे इनवाइट किया था यहाँ पर आने को। अरे 5K आया था उसमें, लेकिन एलेक्जर बिल्कुल ही नहीं था यार, तो मैं कैसे करता? अभी मिल जाएगा, तुम टेंशन मत लो, मैं जैसे ही लीग डाउन करूँगा ना 5K आराम से मिल जाएगा, उसमें बिल्कुल ही नहीं था। और दूसरी लूट भी थोड़ी सी रहे तो अच्छा रहता है ना। अच्छा कोई लाइव अटैक कर रहा तो इसको देख लेते हैं ना, चलो लाइव अटैक देख लेते हैं, एक मिनट क्या चल रहा है अटैक। वाह बॉलर वॉक चल रहा, वार्डन की एबिलिटी यूज करो। हाँ नाइस, दो जंप नाइस, देखो इसने स्पेल यूज करने में कंजूसी नहीं की, इसलिए 3 स्टार हो जाएगा इसका, क्योंकि इसने स्पेल यूज करने में कंजूसी नहीं की, हाफ बेस में ही पूरा स्पेल यूज कर दिया। अगर तुम हाफ बेस में पूरा स्पेल यूज कर दोगे ना, मतलब क्या होता ना कि जो इंपॉर्टेंट हाफ बेस है वो अगर उड़ा देते हो तो बाकी का हाफ तो फिलर होता है। अभी इसकी क्वीन है 14 लेवल की, थोड़ा सा मुश्किल होगा इसके लिए करना। क्वीन इसकी हाई रहती तो कुछ चांस बनता, लेकिन इसने अटैक बहुत अच्छा किया है, नंबर 33 है बंदा, 2 स्टार लेगा, हाई 2 स्टार होगा इसका। और अभी ये नहीं कह सकते हो कि कितना परसेंट होगा, गैस करो तो कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट होना चाहिए इसमें। डबल लाइव हाँ, आई सब्सक्राइब कौशल रूल्स थैंक यू सो, कितना परसेंट होगा ये बताओ। कौशल रूल्स थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग ब्रदर। आरके उधर हेलो भाई, हेलो ब्रदर प्रवासी पटेल, 100, 85, 82, 90, मेरे को भी लग रहा है 80 to 90 के बीच में ही होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा विंडो है, थोड़ा क्लोज करो। मेरे को लगता है 90 से ऊपर जाएगा। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है 90 से ऊपर जाएगा, और मे बी 100 चला जाए। टाइम थोड़ा कम है, लेकिन मे बी 100 चला जाए, क्योंकि डिफेंस इसका कुछ बचा नहीं है। मे बी, देखो क्या होता है। लेकिन इसकी क्वीन डाउन हो रही है, क्या होता है देखते हैं, बड़ा क्लोज हो रहा है। टाइम का बोला ना, टाइम की थोड़ी कमी हो सकती है, और क्वीन डाउन होने वाली है,
और ये बचेगी कि नहीं बचेगी देखता हूँ। क्वीन बच जाए बच जाए बच जाए बच जाए, हाँ बच गई क्वीन, क्वीन बच गई। तो 90% से ऊपर मैंने बोला था, 90% से ऊपर हो गया, हो गया 90%। थोड़ा सा टाइम का पंगा है तो मे बी 100 हो जाता, कौन जानता है क्या होता। टाइम का पंगा हो गया, अच्छा अटैक किया बंदे ने, 92 और ये 94%। वाह 94%, बहुत बढ़िया। मास्टर ओके ने बोला था 94, मास्टर डीके ने 94 बोला था, मास्टर डीके ने तब से 94 94 94। साहिल राय भी 95 बोला था, क्लोज था। पटेल भाई ने 95 बोला था, जो 95 बोले वो तो क्लोज है बिल्कुल। अच्छा अटैक हुआ यार, काफ़ी बढ़िया। जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो। और एक और अटैक हुआ था, किसका हुआ था वो, 61%। तो अभी मैं अपना अटैक कर लूँ, एक अच्छी लूट कर लूँ मोटिवेट होके। इसमें एलेक्जर बहुत कम था, तो एलेक्जर भी थोड़ा सा चाहिए होता है, 400K से ऊपर हो तो अच्छा होता है। आपको 7K डार्क मिलेगा, होपफुली होपफुली मिल जाए। ये डेड वैसे लेकिन इसमें करूँगा नहीं, क्योंकि डार्क बहुत कम है, 3000 डार्क में तो नहीं कर रहा मैं। हाँ भाई आज CSK का मैच है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए भाई, मेहनत करो। मैं ऐसा नहीं बोलता अपने सब्सक्राइबर को कि जाकर किसी को सब्सक्राइब करो, मैं बोलता हूँ कि मेहनत करो, लोग अपने आप आएंगे, खुद आएंगे। आयुष आयुष फॉर यू, थैंक यू सो मच ब्रदर सब्सक्राइब करने के लिए। इसमें देखो 4800 है, तो मैंने बोला था डार्क अच्छी मिलेगी तो मैं अटैक कर दूंगा, तो इसमें डार्क अच्छी है और मैं अटैक के लिए जा रहा हूँ। लेकिन इसका लेआउट बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, है लेआउट तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा। तो कॉर्नर एंट्री लेनी पड़ेगी क्या, लगता तो है कॉर्नर एंट्री लेनी पड़ेगी। चलो जंप भी मार दिया मैंने ताकि ट्रूप्स मेरे थोड़े से अंदर भी आ जाएं, थोड़े से भी अंदर आएंगे तो काम निकल जाएगा अपना। आ गए अंदर, वाह वाह, थोड़े से क्या, मोस्ट ऑफ द ट्रूप्स अंदर आ गए। मैंने पॉइजन थोड़ी जल्दी डाल दिया, लेकिन कोई बात नहीं। सिंगल इन्फर्नो ने ले ली भाई, डार्क पूरा आ गया, काम हो गया। गर्मी की हॉलीडेज में आपका स्ट्रीम और COC इज माई लाइफ। हाँ भाई गिव अवे बनता है बिल्कुल यार, 3 स्टार नहीं होगा लेकिन डार्क देखो 4816 पूरा का पूरा ले लिया मैंने। तुम्हारा फोन में प्रॉब्लम होगा भाई, माइनर 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 भाई, माइनर 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 माइनर, सॉरी माइनर माइनर रेस। हील मत दे देना, वो मत दे देना भाई। ट्रूप्स बना रहा हूं मैं, अब मैं क्वीन वॉक करूंगा, अब मैं क्वीन वॉक करूंगा। सर पता नहीं नेट प्रॉब्लम, मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता हूं भाई। नेट प्रॉब्लम होगा भाई तुम्हारा, या फिर मोबाइल में दिक्कत होगी। TH9 कैसे पुश करूं अटैक करके, हो जाएगा। तुम्हारा जेम्स इतना हो गया है, खरीद लिया मैंने। पराशर भाई थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए, जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू सो मच भाई। DHZ में डार्क फार्मिंग करने के लिए तरीका बताओ भाई। सबसे पहले गोल्ड वन में जाओ, बोल्डी कुमार गोल्ड वन में जाओ, वहां मिल जाएगा, डेड बेस सर्च करो मिल जाएगा। अच्छा मोबाइल में प्रॉब्लम है, तो मोबाइल में अगर तुम्हारा प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हो,
मोबाइल एक लेना पड़ेगा तुम्हें। आजकल तो 10,000 के अप्रोक्स में जो मोबाइल मिलता है उसमें लाइव स्ट्रीम जा सकते हो, वो सही होता है मोबाइल। माइनर के साथ बॉलर वॉक करो प्लीज़, माइनर के साथ बॉलर वॉक कर सकता हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ क्वीन पर ज़्यादा स्ट्रेस डालूँ, क्वीन वॉक करूँ। ठीक है, क्वीन करता हूँ, है ना। और ट्रुप्स के बारे में बात करूँ तो जब तक मेरे ट्रुप्स होते हैं इधर तब तक मैं यहाँ अटैक करता हूँ। आई लव योर कमेंट्री एंड क्लैशिंग अटैक, थैंक यू सो मच, मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग वीडियो। सर TA7 का अच्छा ट्रुप्स बताओ। भाई ड्रैगन होता है, उससे अच्छा और क्या होता है TA7 के लिए। सीसी में लून लेकर ड्रैगन अटैक करो। ग्राउंड करना है तो जाइंट विजार्ड कर सकते हो। भाई लावा लून सिखा दे। लावा लून तो सीखने से नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करो क्या होता है बेसिक अटैक वो देखो और प्रैक्टिस करो। लावा लून प्रैक्टिस की चीज़ है। ये 3 होगा कि नहीं ये बताओ, क्या लगता है 3 होगा या नहीं होगा? कैसे मिला तुम्हें 4,000? भाई 7,000 तक मिल जाता है, 6,000 5,000 सब मिलता है। डिस्कशन थोड़ा कम करो। तुम वॉल्यूम डाउन कर लो, तुम अटैक देख लो, मस्त लगता है। थैंक यू। जाइंट बम नहीं आया तो हो गया। हाँ भाई ट्रैको भाई आपको सही क्लैश किसको नहीं है, किसको पसंद नहीं है सही SHI क्लैश ये बताओ। अरे भाई मेरे डायसुमन थैंक यू ब्रदर, बंदा मेरे को माइनर भी डोनेट कर रहा है यार, तू ही मेरा, यू आर माई मैन ब्रदर डायसुमन। भाई जब ट्रॉफी 0 हो जाती है और हम अटैक करते हैं और फिर भी हम अटैक लूज करते हैं, तो ऐसा मैंने देखा नहीं है अभी तक। शायद 0 का 0 ही रह जाएगा वो, एक बार मैं 0 भी जाकर देखूंगा। ड्रैको आओ कभी हवेली पर। हाँ भाई तू हवेली पे बुला रहा है मुझे, लव यू टू ब्रो। तो ट्रुप्स तो मुझे मिल गए हैं ऑलमोस्ट, कितने मिल गए? 3 मिल गया है और अभी मेरे को डोनेट हो रहा है। और ये वाला लगता है मैं जीत गया क्या? कितना किया बंदे ने? 61% किया है, मैंने 100 मार दिया था। क्या अटैक किया है? अरे मेरा बेस तो ऐसे ही रख दिया है मैंने, मैं बहुत सारा जाइंट ले लिया। मेरे बेस में लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि एयर करें या ग्राउंड करें। जीरो ट्रॉफी वाला अटैक दिखाओ, जीरो वाला अटैक अभी कैसे दिखा दूं मैं? अभी मैंने हिट नहीं किया जीरो ट्रॉफी। और 2 माइनर और मिल गए तो हो गया टोटल 5 माइनर हो गया। अब चलता हूँ मैं अटैक को, है ना। लेकिन अटैक को मैं जाऊँ तो, लेकिन 4 मिनट बाकी है। सो क्वीन में 4 मिनट बाकी है ना, और मेरे पास ट्रेजरी में कितना है? 20 लाख है। तो मैं लगा देता हूँ, 1 मिनट कुछ लगा देता हूँ, है ना। 2 दिन बाकी है, कुछ नहीं लगाऊंगा मैं। ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा वॉल कर लेता हूँ, है ना। तो भाई मेरा कंप्लीट हो गया आउटर सर्कल, मेरा वॉल का कंप्लीट हो गया। अब मैं इनर सर्कल करूंगा, मतलब अभी मेरे को एक और लेवल बढ़ाना है वॉल का। अभी व्हाइट वॉल करनी है मुझे, अंबुजा सीमेंट की दीवारें बाकी हैं। तो अब मैं इनर सर्कल मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो इनर सर्कल का एक और कर दूं। तो एक बार में 4 वॉल किया है, एक दिन में मैं लगभग 12 से 15 वॉल करता हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना वॉल में, कंप्लीट तो हो ही जाएगा। वर्ल्ड टॉप करो, करूँगा भाई वर्ल्ड टॉप भी जाऊँगा, टेंशन मत लो। TH11 के जितने भी अटैक हैं सब रात में करना, अभी 8 8 बजे से पहले लोअर बेसिस TH89 जल्दी से क्लियर कर दो। ये अच्छा बंदा है, इसे पता है वॉर अटैक कैसे करते हैं, वॉर स्ट्रेटेजी बना रहा है सही, जो इम्पोर्टेंट अटैक है उनको रोक रहा है। एक 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 ये है, इसको मैं ज़रा ट्रंक में, कितना जेम मिलेगा? मेरे को लगता है 2।
या जीरो या दो या जीरो जीरो। टीएच नाइन ट्रूप्स तो लावा लून ही है यार, लावा लून सबसे इफेक्टिव ट्रूप्स है, क्वीन वॉक के साथ लावा लून। योयो ड्रैको। एंड्रो गेमर पूछ रहा है सॉन्ग का नाम क्या है, तो एंड्रो गेमर भाई सॉन्ग का नाम एनसीएस में बजा रहा हूँ 24/7। जीरो ट्रॉफी का अटैक तो करना ही होगा। अच्छा ठीक है, डिफेंस में मैं जाकर देखता हूँ कि रिवेंज में कितनी ट्रॉफी मिल रही इसमें। अरे वाह, इसमें लूट अच्छी है लेकिन डार्क बिल्कुल नहीं है, इसमें ट्रॉफी बहुत ज़्यादा है। और इसमें रिवेंज आई एम कमिंग इन योर एवरी स्ट्रीम, थैंक यू सो मच। जीरो ट्रॉफी नहीं है यार, सब में थोड़ी थोड़ी 55 ट्रॉफी मिल रही है यार रिवेंज में, पागल हो जाऊंगा मैं, इतनी ट्रॉफी थोड़ी मिलती है किसी को, 55 ट्रॉफी यार पागल। बहुत लोगों ने रिवेंज ही लिया है मुझ पर। इसमें डार्क नहीं है तो फायदा नहीं है करके। एंड्रो गेमर भाई मुझे माफ कर दे मुझे, अरे भाई तुमने माफी मांग ली, सब बात खत्म, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, भूल जा सब। भाई अभी मैं जेम्स खरीदूंगा तो क्लैन मेट्स को गिफ्ट मिलेगा, नहीं रे वो खत्म हो गया, वो क्लैन मेट्स वाला जो गिफ्ट वाला था ना वो खत्म हो गया, वो एनिवर्सरी में था, लेकिन एनिवर्सरी तो चल रहा ना अभी, क्लैन वॉर्स 4 एनिवर्सरी। तुम शॉप में जाके देखो, शॉप में जाके देखो अगर वो गिफ्ट वाला आ रहा है, देखता हूँ रुक जाओ। इवेंट अभी मेरे को लगता है वो खत्म हो गया, एक मिनट। हाँ अभी है शायद, थ्रू आउट द क्लैन वॉर एनिवर्सरी व्हेन यू परचेज जेम्स क्लैश क्लैन, ये वाला तो है लेकिन मेरे को दिख नहीं रहा, ये वाला दिख नहीं रहा जेम्स वाला, तुम्हें दिख रहा है क्या है? वो गिफ्ट वाला, गिफ्ट वाला नहीं आया है, यहीं पर आता था ना गिफ्ट वाला, वो गिफ्ट वाला आ नहीं रहा, तो मेरे को पूछना पड़ेगा फोरम में, मेरे को पता करना होगा कि वो गिफ्ट वाला का सीन क्या हुआ है। तुम देखो भाई हमें तो मुफ्त का चाहिए। अरे मेरा तो दिख ही नहीं रहा, तो मैं तो अभी खरीद नहीं पाऊंगा, नहीं तो खरीद के दे देता गिफ्ट। 55 का अटैक कर तापसी दास, अरे नहीं है उसमें लूट नहीं है। नेक्स्ट क्लैन गेम के बारे में बताऊंगा जल्दी अगर इन्फॉर्मेशन आ गई तो, इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, मुझे लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। पचपन वाला अटैक कर भाई, भाई 55 ट्रॉफी बहुत ज्यादा गेन कर लूंगा मैं, फायदा नहीं है उससे कुछ, मैं खरीद लूंगा अगर ऑफर आता है तो। हाँ खरीद ले भाई, खरीद ले और अपने क्लैनमेट्स को डोनेट कर दे, मेरे को मत करियो, मेरे पास बहुत जेम्स हैं, अपने क्लैनमेट्स को कर दे। चिराग बोल रहा है मुझे 99.99% आए, अरे क्या बात है यार, इतना भी ऐसा भी आता क्या, 99.99% भी आता क्या, बढ़िया। चलो ट्रूप्स हो गए अब, चलो अटैक पर चलते हैं, लेट्स डू दैट क्वीन वॉक, एक्सटेंसिव क्वीन वॉक। और मेरे को डार्क अब 3000 से ऊपर मिलेगा तो मैं अटैक कर दूंगा, 4000 में अटैक कर दूंगा, 4000 मिल रहा है इसमें कर दूंगा मैं। देखो डेड बेस के बारे में बात कर रहा था ना, यही होता है डेड बेस, देख लो दिस इज द डेड बेस। अबे इंग्लैंड में जाके फोड़ेगा क्या ये वॉल ब्रेकर भी ना, वहां कहां जा रहा है, यहीं फोड़ना नजदीक वाले में, हद है यार पागल। चलो कोई नहीं,
साइड क्लियर करता हूँ क्वीन से और COC should include new troops, new hero. अभी नई आई है गेमिंग कम्युनिटी, क्या पॉइजन मारा है मैंने, कहां जा रहा, हटा उसको, हेलो ब्रो. चुप्स हो गए क्या, वाह, माइनर 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 भाई माइनर. डोनेट मी एलेक्जर, ले ले भाई तेरे लिए है सारा. एलेक्जर क्या लेगा, डार्क ले ले. भाई तुम्हारा वॉर अटैक का एक रिप्ले दिखाओ. भाई मैं वॉर तो करके आ गया दूसरे क्लैन में, ये मेरा दूसरा क्लैन है. तो जो लोग नए हो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लो चैनल को, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. आई कम लाइव एवरी डे, आई मेक वीडियोज एवरी डे एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. लैब में कुछ लगाओ, उसी के लिए तो मैं जमा कर रहा हूँ. मैं विच लगाऊंगा, नाइट विच लगाऊंगा, उसके बाद मैं वो विच करूंगा, दुनिया एक कर दूंगा, मैं इधर इधर से उधर कर दूंगा दुनिया. मैं वो विच लगाऊंगा, वो विच, ये वो विच करूंगा मैं. 1,60,000 चाहिए मुझे, और कितना चाहिए, और चाहिए मेरे को 33,000 डार्क लेजर और चाहिए. 5 अटैक और करूंगा, मेरा कंप्लीट हो जाएगा. 5 से 6 अटैक में कोशिश करूंगा 33,000 मुझे मिल जाए, क्योंकि मैंने लेजर डार्क लेजर यूज करना बंद कर दिया है, तो अब मुझे मिल जाएगा. 30 मिनट का बूस्ट है, 30 मिनट में हो जाना चाहिए. अमितेश यो ब्रदर, यो हाउ आर यू मैन. अरे थैंक यू सो मच ब्रदर डैसुमन, एक रेस भी दे दे मेरे भाई, उसके बाद मैं अटैक पर चला जाऊं, फिर से अटैक पर चला जाऊंगा मैं. देन जाइंट्स, व्हाट जाइंट्स, अच्छा तुम्हारा विच मैक्स हो रहा, उसके बाद जाइंट करेगा. मैंने जाइंट कर लिया भाई, तो जब तक तेरा जाइंट होगा तब तक मेरा विच हो जाएगा, तो हम भाई भाई हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे. हाय ब्रो हाउ आर यू, आई एम फाइन ब्रदर. अच्छा तू है 63 सब्सक्राइबर वाला, राधे क्रिएशन, थैंक यू ब्रदर. चलो मिल गया मेरे को, चलो अटैक करते हैं. थैंक यू डेथ सुमन ब्रदर. इसमें भी डार्क बहुत है और मेरे को क्वीन वॉक इसमें करना पड़ेगा, तो मैं कर दूंगा क्वीन वॉक. आजा 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 सीसी से ट्रूप्स, देख लूंगा मैं.
तो सीसी से ट्रूप्स निकल गए तो काम हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इधर माइनर छोड़ देता हूँ, है ना। चलो कोई बात नहीं, सिंगल इन्फर्नो ना, कुछ उपाय नहीं चलता सिंगल के सामने। मैं चाह रहा हूं डार्क मिल जाए मेरे को, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूं सेंटर में। डार्क मिल रहा क्या? मिल गया। डार्क डाउन, बढ़िया। और कुछ नहीं चाहिए, सिंगल इन्फर्नो, कूल स्ट्रीम, थैंक यू सो मच। टाउन हॉल 12 की बेस्ट आर्मी बताओ। टाउन हॉल 12 में हॉग प्लस जंप सबसे अच्छा होता, या वॉल ब्रेकर प्लस जंप होता है, या फिर तुम लावा प्लस हीलर ले सकते हो। लावा प्लस हीलर सबसे डेडली स्ट्रैटेजी है। लावा तुम्हारा एक तो ऐसे ही बहुत हाई एचपी का होता है। किंग 15 का करूं या क्वीन 12 की? क्वीन 12। बारह तो है ही नहीं है भाई, क्या बात करते हो, कैसे, किसने कह दिया टेस्ट 12 नहीं है? तुम जरा करके देखो। तो 1,31,000 और कितना, 4,000 मैंने गेन किया ना। नाइस ब्रो, आपने जेम्स एक बार दिखाओ, दिख तो रहे हैं। नहीं भाई है 12, क्या बात करते हो, मैंने देखा है, उसमें लावा प्लस हीलर अटैक होता है, उसमें वॉल ब्रेक, उसमें क्या होता है ना, हॉग प्लस जंप करते हो, उसमें हॉग तेरे को क्या होता है ना कि पहले जंप मारोगे ना हॉग में, नहीं वॉल ब्रेकर प्लस जंप। तो वॉल ब्रेकर जैसे तुमने मारना स्टार्ट किया, पहले यहां पर एक जंप मारा वॉल ब्रेकर के साथ, यहां पर मारा जंप, उसके बाद तुमने यहां पर मारा जंप, फिर उसके बाद यहां पर मारा जंप, फिर यहां मारा जंप, ऐसे करके जंप मारा तुमने, तो फिर यहां पर आ जाते वॉल ब्रेकर और फिर नाव में बैठ जाते, ठीक है। नाव में बैठने के बाद यहां नाव में बैठे, फिर बिल्डर बेस में आते हैं, फिर बिल्डर बेस को तोड़ देते हैं। तुम अगर तुम्हें ट्रूप्स लाने हैं यहां से तो तुम जंप यूज किया करो, बहुत सही होता। भाई लूट चाहिए थी ना, देखो लूट मिल गई, 4,000 के करीब मेरे को डार्क लेजर मिल गया। मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है डार्क लेजर का, मैं दिखा देता हूं। मेरा है 155, तो 4,000 के करीब मिला, तो पूरा 4,000 मेरे को गेन हो जाता है ना। आज मजा आएगा आरसीबी वर्सेस सीएसके। मेरा क्लैन लेवल क्या है? ये मेरा क्लैन नहीं है, मेरे फ्रेंड का है, सुमन का है, सुमन देव। क्लैन लेवल है मेरा 15। चलो एक बिल्डर बेस में अटैक हो जाए, आज सीएसके जीत जाएगी। वो भी क्या बोलने वाली बात है, हर बारी जीतती है। बताओ ये 3 स्टार होगा या नहीं, ये 3 स्टार होगा या नहीं, ये बताओ। अपने बाल दिखाओ प्लीज। अच्छा अभी मैंने स्ट्रीम स्टार्ट की थी तो मैंने टोपी नहीं पहनी थी। यू आर ऑसम, थैंक यू सो मच स्वप्निल। कोलकाता के साथ हार गई थी, हाँ वो कोलकाता के साथ हार गई थी क्योंकि सब अपने भाई लोग हैं तो छोड़ दिया एक मैच। 2 स्टार बोल रहा ओमकार इसको पता नहीं है कौन हूं मैं, आई एम 2 टाइम बैक टू बैक, डोंट फॉरगेट आई एम 2 टाइम बैक टू बैक।
आरसीबी जीतेगी और कोहली सीएसके को धो देगी सपनों में। क्वीन 12 की है और किंग 10 का, तो किसको अपग्रेड करूं? किसी को भी कर सकते हो, किंग को कर लो। 4 मिनट है ट्रुप्स होने में। बंदा क्या, हाँ जीत गया, 79% बंदे ने किया। देखता हूँ क्या किया है बंदे ने। तो जो लोग नए हो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जाकर सब्सक्राइब कर लो। बीच बीच में मैं बोल देता हूँ कि तुम भूल जाओगे, तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है, सब्सक्राइब ही तो करना है तुम्हें। सब्सक्राइब कर रहे हो या नहीं? सही कहा, सपनों में। ओए 3 स्टार बोला, नहीं तू 2 बोला, मैं तेरे को देखा लास्ट में 3 बोला, 2 2 2 2 बोल के लास्ट में तू 3 बोल दिया। ओमकार केकेआर का सपना देखा और अब आरसीबी का देखो। करण गोयल, कोई बात नहीं भाई, देखते हैं। चलो चलो, फेयर कंपटीशन है। कितने सब्स हैं? बहुत, जितना तुम इमेजिन कर रहे हो उससे ज़्यादा। आपके सर पे बाल हैं या नहीं? कि हर बार कैप पहन के, तो हर बार तो नहीं आता। किसने मेरे बाल देखे हैं बताओ? किसने किसने मेरे बाल देखे हैं? पैक्का दिखाना, दिखा रहा हूं भाई, इसके बाद वाला पैक्का अटैक कर दूंगा तुम्हारे लिए। वो गलती से टाइप हो गया 3 बार। ओमकार देसाई, 3 बार गलती से टाइप हो गया। ऑरेंज कैप लिस्ट में भी आ चुका है एमएस धोनी, 5 नंबर पर है आज धोनी, 80 रन मारेगा। सही बोल रहे हो राजेश कुमार, फिर से ऑरेंज कैप में आएगा। मैंने देखा, जिन्होंने देखा वो मेरे बाल है कि नहीं है बताओ। मेरे बाल नहीं है ना, यहां से ऐसे करके बाल नहीं है ना बीच सर पे। मैं चंदला हूं ना बीच से, यहां पर मेरे बाल नहीं है। कोहली ऑरेंज कैप जीतेगा। जीतेगा भाई, वो अच्छा बैट्समैन है, लेकिन आईपीएल टीम से जीतते हैं, एक बैट्समैन से नहीं। आईपीएल जीतने के लिए आपके पास सर जडेजा होना चाहिए। अगर आपके पास सर रविंद्र जडेजा नहीं है टीम में, तो यू कैन नॉट विन आईपीएल। ओके, तो वो जो लक है ना, जडेजा वाला लक, वो सर जडेजा वाली इनिंग आनी बाकी है अभी। जब एक ही मैच में वो 4 विकेट भी लेगा और 5 बॉल में 5 छक्के मार के मैच भी जिताएगा। यू हैव एन ईमेल? यस मैनियक रिवेंजर, डू यू वॉन्ट माई ईमेल? यू कैन सी इन माई चैनल डिस्क्रिप्शन, यू कैन सी आई हैव, यू हैव, यू विल हैव टू कॉन्टैक्ट मी फॉर बिजनेस और वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन सी देयर। है तो गुजराती कुलदीप जाबिया। सही बोले, नाप तोल के खेलता, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। सही बोल रहे भाई। काना भाई ने मुझे रिक्वेस्ट किया है डाई नगर से, मैं आ जाऊंगा भाई, आ जाऊंगा, रिक्वेस्ट आ चुकी है मुझे काफी नीम। प्लीज मुझे क्लैन में ले लो भाई, मेरा क्लैन नहीं है और फुल है, इसमें नहीं ले सकता। जडेजा ऐसा करेगा। भाई सर जडेजा है, कुछ भी कर सकता वो भाई। लेकिन एक बात है, दिनेश कार्तिक अच्छा खेल रहा है यार, मैं चाहता हूं कि वो टीम में आ जाए, इंडियन टीम में, वर्ल्ड कप के लिए जाए वो बंदा। वो एक दिनेश कार्तिक और एक अपना सीएसके का जो है ना अंबाती रायडू, वो दोनों मैं चाहता हूं कि टीम में आ जाए। अटैक कर भाई, ट्रूप्स होने दे, हीरोज मेरे बाकी हैं अभी, 2 मिनट बाकी है हीरो होने में, तब तक रुक जा भाई, अटैक करूंगा मैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कराया, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब्सक्राइब कर लो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज आई एम 2 टाइम बैक टू बैक 2011-2015 मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये अपना ही बेस किक करके अपने ही बेस को इनवाइट कर रहा है, ये भी पागल हो गया है। सुमन यू डिजर्व दैट, प्रभात भारती।
डीके इज लव, यस मैन, काफी अच्छा खेल रहा, कहीं से भी खेले किधर से भी खेले बहुत अच्छा खेल रहा। पंत चाहिए, कार्तिक और अंबाती बुढ़े हैं, जो बैटिंग अच्छा कर रहा ना भाई। तुम फ्यूचर की बात करोगे तो ऋषभ पंत ले लो, ठीक है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मना कर रहा कि ऋषभ पंत तुम ले लो फ्यूचर के लिए, लेकिन हमें वर्ल्ड कप में एक्सपीरियंस बैट्समैन चाहिए, जो न्यूबीज है ना वो चौक कर जाएंगे, जाकर प्रेशर नहीं हैंडल कर पाएंगे। मैं बता रहा हूं कि आईपीएल और वर्ल्ड कप डिफरेंट होता है बाय टू टाइम्स बैक टू बैक, टू टाइम। योर फेवरेट टीम सीएसके, विसल पोडू, आ गया रूबेल मंडल, इसका स्क्रूटनी करते हैं। तो भाई साहब एक रूबेल मंडल आए हैं, ठीक है, जो मेरे को कंटिन्यूअस हर स्ट्रीम में आकर गाली देते हैं, तो इनका स्ट्रीम, इनका मैं देखता हूं कि क्या है इनका। तो भाई साहब का कितना वीडियो है, तो टोटल पूरी जिंदगी में इन्होंने 5 महीने में 4 वीडियो डाली है, कितने, 4, इससे ज्यादा वीडियो तो मैं एक दिन में बनाता हूं। और भाई साहब का जो व्यूज है वो कैसे है मैं बताता हूं, एक वीडियो में इनके 2 व्यू हैं, एक वीडियो में 1 व्यू है, एक वीडियो में 6 व्यू है, और एक वीडियो जो 5 महीने पहले डाली थी उसमें 195 व्यू है। अरे मैं ब्लैक स्क्रीन डाल के लाइव आ जाऊं ना, मैं ब्लैक स्क्रीन डाल दूं, मैं कुछ भी वीडियो ना बनाऊं, तब मेरे 1000 व्यू होंगे। और तुम्हारी जो पूरी मेहनत है, पूरी जिंदगी की जो मेहनत है, उसमें तुम्हारे 200 व्यू नहीं हुए। तो भाई पहले औकात बना लो रूबेल मंडल, अरे ये रूबेल मंडल नहीं है क्या, वो मैंने गलत वाले का वो कर दिया क्या, नहीं ये वो रूबेल मंडल नहीं है, मुझे लगता है कि वही है। अगर तुम कल वाले रूबेल मंडल नहीं हो तो आई एम सो सॉरी, मैंने गलत लड़के को रोस्ट कर दिया, और अगर कर वाले हो तो फिर झेलो। नहीं कोई ईगो नहीं है मेरे पास, ये मेरे को बहुत गाली वाली दे रहा था, ये वो ही रूबेल मंडल नहीं है, यही है। अच्छा पक्की बात है, यही है, अच्छी बात है, फोटो भी लगाई है भाई साहब ने, वीडियो तो बना ले बेटा। अच्छा फैजल, फैजल भी मेरे को जरा मेरे को गाली दे रहा, तो जरा उसकी भी स्क्रूटनी कर दूं, इसके बाद मैं अटैक करूंगा, पहले मैं इस बंदे की जरा स्क्रूटनी कर दूं फैजल की। तो पूरे फैजल भाई ने वीडियो बनाई है, कितनी वीडियो बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसने 7 8 वीडियो 10 वीडियो बनाई है, ठीक है। और इसकी वीडियो जो है वो एक मंथ पहले 3 दिन पहले, तो ये इंस्पिरेशन इसको मेरे से ही मिली है वीडियो बनाने की, मेरे को लग रहा। और इसकी वीडियो में कितने व्यू हैं मैं बता दूं, लेटेस्ट वीडियो जो इसने डाली है उसमें 3 व्यू हैं, और लाइव स्ट्रीम है बंदे का, और 3 व्यू 2 व्यू 4 व्यू 1 व्यू। अरे क्या बोलते हो मेरे को भाई, हाँ एक बार मैं लाइव आता हूँ तो मेरे 10,000 व्यू होते हैं, 10,000 10,000 20,000 व्यू रोज लेता हूं मैं, और तुम मेरे को रोस्ट कर रहे हो। अच्छा हमजा बलोच, तेरी क्या औकात है मैं देखूं जरा, जिंदगी में 1 सब्सक्राइबर गेन नहीं किया, हमजा बलोच की 1 सब्सक्राइबर है, ओनली 1। पूरी लाइफ में इसने इतनी मेहनत की पागलों की तरह, कुत्तों की तरह, 1 सब्सक्राइबर नहीं गेन किया, 0। अभिषेक प्यारा कैसे हो भाई, आयुष अटैक करना यार, कर रहा हूं भाई, थोड़ी रोस्टिंग करने का मन कर रहा था मैं, गाली देने वालों को टाइम आउट कर दो। इसमें लूट देखो, इसमें लूट देखो, लूट। चलो क्वीन वॉक करते हैं, हाँ भाई जम के लूट लूंगा मैं, टेंशन नहीं।
चलो चलो चलो, सही है, अभी तक तो सही जा रहा। तो रिगेन तो हो गया। चलो एक साइड तो पूरा क्लियर हो गया, अभी क्वीन वॉक तो चलता रहेगा, तब तक मैं इधर माइनर डाल लूँ, एंट्री हो जाएगी क्योंकि टाइम भी 1 मिनट से कम है। चलो 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 चलो, ये मेरे को पूरा लूटना है, ठीक है, ये मेरे को पूरा लूटना है, इसलिए मैं थोड़ा कंसंट्रेट होके एकदम फुल कंसंट्रेशन से मैं कर रहा हूँ, है ना, अटैक। सिंगल इन्फर्नो क्वीन लॉक हो गई थी, बढ़िया, डाउन हो गया। आई गॉट द लूट, जो गाली देते हैं वो अपने मॉम डैड के साथ भी ऐसा ही करते होंगे, सही बोल रहे हो। बैक टू टाइम, जूम कर दिया भाई, सॉरी। हाँ तुम्हारे क्लैन में भी आऊंगा भाई अभिषेक प्यारे भाई, बिल्कुल आऊंगा। कितनी लूट मिली? पूरी 8,36,000। तो जो भाई लोग बोल रहे थे कि लूट के लिए तो ऐसे ही मिल जाती लूट। हेलो ड्रैको, पक्का मैक्स है तेरा, नहीं एक लेवल और है। टट्टुओं की गैंग है, रुबेल मंजल, हमजा बलोच, फैजल XD और मयंक शर्मा, टट्टुओं की गैंग। भाई संडे को IPL के बाद क्लासिक को पूरी रात जागना है। हाँ भाई वो पूरी रात है, जागरण है उस दिन, मजा आएगा उस दिन। लूट अच्छी थी कि नहीं ये बताओ, कैसी लूट थी? एकदम खतरनाक, एकदम डेंजरस। द डार्क विजार्ड भाई, जो भी डार्क विजार्ड हो, मैं अभी तो नहीं आ पाऊंगा, मैं आ जाऊंगा भाई, तुम्हारे क्लैन में भी आ जाऊंगा। तुम भाई देखो इस बंदे को, देखो डैश सुमन ने वॉर में बेचारा है और इसको किक कर दिया अपने ही बेस को, और फिर से एक बंदे और को किक करके इसको ला रहा, मेरे लिए क्या कर रहा है यार। थैंक यू ब्रदर, आई विल नॉट फॉरगेट यू डेथ सुमन। भाई अपनी अग्नि भाई, नहीं भाई लाठी भाई बिल्कुल इग्नोर नहीं करता भाई। इंजीनियर से पंगा मत लो, ब्लैक होल से भी ज्यादा भारी पड़ेगा। और वो भी मैकेनिकल इंजीनियर, इंजीनियरों का बाप, मैकेनिकल के आगे कोई टिकता है क्या? और वो भी 2 बार बैक टू टाइम। भाई बहुत देर से स्ट्रीमिंग कर रहे हो, खाना तो खा लो। खा लूंगा भाई, मैंने बोला था ना कि 2 बजे के बाद खाता हूं मैं खाना। अभी नाश्ता मैंने लेट से किया था, आने से पहले ही नाश्ता किया था, अभी 2 घंटे पहले ही नाश्ता करा है मैंने। भाई हॉग अटैक भी कर विच लगाने के बाद कमाल लूट थी भाई। हाँ भाई कमाल लूट थी इरफान भाई, 8 लाख तो अच्छा होता यार, फुल बबाल। प्रशांत भंडारी मेरे को गाली दे रहा, गॉगल निकाल। गाली मत दे यार, तेरे को गॉगल निकालने के लिए बोलना मैं निकाल दूंगा, तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन गाली दे रहे हो तो मैं रोस्ट कर दूंगा तुम्हें, भुर्जी बना दूंगा तुम्हारा, चिकन तंदूरी बन जाओगे तुम, प्रशांत तंदूरी।
बिल्डर बेस में अटैक करने को बोल रहा है ये, मैं लाइव अटैक दिखा रहा हूँ लोगों को, हॉग अटैक, उसके बाद कर दूंगा बिल्डर बेस में भी भाई। भाई मेरे भाई जल्दी कर, जल्दी कर दूंगा। माइक्रोफोन घुसा कर बात कर रहा है तू, तेरी आवाज फटी हुई है। लाइटनिंग सैम, लाइटिंग सैम, लाइट वाले हो भैया, शादी की पार्टी में लाइट लगाते हो क्या? लाइटिंग सैम की बिजली गिरी थी तुम्हारे घर पे और तुम पे कि दिमाग तुम्हारा फ्यूज हो गया है। तो लाइटिंग सैम भाई बोल रहे हैं मुझे कि माइक्रोफोन फोन से बात कर रहे हो क्योंकि आवाज फटी हुई है तुम्हारी। तो पहले तो तुम अपने नाम को एक्सप्लेन करो कि लाइटिंग सैम तुम्हारा नाम है, तुम बिजली वाले भैया हो, इलेक्ट्रिशियन हो तुम, या शादी की पार्टी में बिजली का खंभा माथे में लेके, ऐसे नहीं होता लाइट वाली मरकरी लेके लाइट नहीं चलते वो, शादी वादी पार्टी वार्टी में खड़े रहते हैं, वो तो नहीं हो तुम? प्यारा भाई आ जाऊंगा भाई, तुम्हारे क्लैन में भी आ जाऊंगा, अभी तो नहीं आ पाऊंगा मैं। कैसे? बढ़िया भाई स्वामी घोष, तुम कैसे हो? भाई माइनर दे दे मेरे भाई। हेलो बॉस, आ गया, अब फोड़ते हैं ओपोनेंट को। माइनर दे दे मेरे को, एक बिल्डर बेस में अटैक कर देता हूँ, मेरे को भाई ने बोला था बिल्डर बेस में अटैक करो। अभिषेक भाई हेलो, आयुष 100% पूरा वो लाइट वाला मैं समझ गया, बिजली के खंबे वो होते हैं ना, मरकरी वाले खंबे, ट्यूबलाइट होती ना, सर पे लेके चलते ऐसे करके, ऐसे करके। अंकित तुमने इन्वाइट कर दिया, ऐसे लेके चलते हैं ऐसे करके, और शादी की पार्टी में, इसीलिए इसने नाम रखा अपना लाइटिंग सैम, सर पे बिजली की मरकरी लेके चलता है। ओ भाई इग्नोर क्यों कर रहा है उज्जवल भाई, नहीं कर रहा इग्नोर। भाड़े के चट्टू बहुत आ रहे हैं आज, कोई बात नहीं। ये 3 स्टार होगा कि नहीं ये बताओ, मैं तो देख भी नहीं रहा क्या अटैक हो रहा है। सेफ हो तो खाना बनाओ कि वो भी इंसान का। भाई एक और चट्टू आ गया, सकी रेस्के। हाँ भाई विशाल हेलो भाई, केशर राणा हेलो भाई, कैसे हो? इट विल बी अ 3 स्टार मे बी, रोस्टर है नहीं तुमने, तुम्हें अटैक करना नहीं आता। नियाज भाई वाह क्या बात बोलिए, वाह मुझे अटैक करना नहीं आता, क्या बात, कहां से सीख के आए ये बात, किधर से सीख के आए ये बात कि मुझे अटैक करना नहीं आता, किसने तुम्हें बताया है? आए हुए 10 मिनट हुआ नहीं तुम्हें, कोई बात नहीं कौशिफ नियाज, तुम मुझे सिखा दो, आओ आओ भाई आओ, तुम मुझे अटैक सिखाओ। कल से बोल रहा है तू निर्णय, क्या बोल रहा भाई, कल से बोल रहा हूँ रिप्लाई करते हो भाई। निर्णय कुमार मैं तुम्हें अभी रिप्लाई कर रहा हूँ, कल के लिए सॉरी अगर मैं तुम्हें रिप्लाई नहीं कर पाया, जो मेरे से अच्छे से बात करता मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ, और जब जो मेरे से बुरे से बात करता मैं उसको रोस्ट करता हूँ। भाई कर भाई रिप्लाई करूंगा भाई, तुम्हें करूंगा पक्का, वो बहुत जानता है। कौशिक नियाज ओके बोल रहा है, गाल नहीं करनी इग्नोर, क्या बोल रहे हो मणि भाई? ड्रैको भाई तुम्हारा टैग भाई डिस्क्रिप्शन में है टैग, तुम किसी और से भी पूछ लो, लोग बता देंगे। अरे कटप्पा आ गया, ए मेरे को माइनर दे रहे, मेरे को माइनर दे दिया बंदे ने, थैंक यू भाई सुमन, सुमन थैंक यू सो मच यार माय मैन। चलो एक और अटैक करते हैं, एक और 8 लाख की लूट करते हैं। मिलेगा नहीं 8 लाख भाई, यू आर नॉट रिप्लाइंग विश्वास उपाध्याय, बिल्कुल भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो कि रिप्लाई नहीं कर रहा मैं, कोशिश करता हूँ सबका रिप्लाई करने का। गाल नहीं करनी, गाल नहीं करनी तू, क्यों नहीं करनी भाई, आई लव यू टू ब्रदर। भाई मेरे पास एक्स्ट्रा अकाउंट तो नहीं है डोनेशन के लिए, फैन हूँ मैं आपका। अरे निर्णय कुमार थैंक यू सो मच ब्रदर, अगर तुम मेरे फैन हो तो तुम मेरी मजबूरी समझो भाई कि मैं सबका मैसेज नहीं पढ़ पाता हूँ, हो सकता है तुम्हारा मैसेज कभी कभी मैं मिस कर जाता हूँ तो उसके लिए सॉरी। योर अटैक इज नाइस थैंक यू सो मच। तो इसमें लूट अच्छी है लेकिन गोल्ड बहुत कम है, थोड़ा सा मैनेज हो जाए, डार्क मेरे को चाहिए अच्छा खासा, कोशिश करो मिल जाएगा। हाँ भाई थोड़ा सर्च करूंगा तो मिल ही जाएगा, 8-8 लाख की लूट, 10 लाख की मिलेगी तुम्हारी दूंगा,
अभी तो 8 लाख की मारी है, दो अटैक के बराबर है 8 लाख, 4-4 लाख की लूट मिलती है लोगों को। अरे यार इसमें डार्क इतना अच्छा है ना कि मेरे को मन नहीं कर रहा इसको छोड़ने का। चलो फिर कोई बात नहीं, एक और सर्च करता हूँ मैं। डार्क बहुत था, 5600 था, उससे भी ज़्यादा लेकिन मिल जाएगा। देखो इससे ज़्यादा मिल गया तो इसको मैं कर देता हूँ, 5700 मिल गया। इसमें गोल्ड भी बहुत है, एलेक्जर थोड़ा कम है लेकिन चलेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं जिधर वॉल ब्रेकर दे रहा हूं उधर से क्वीन निकल जा रही है। क्या क्वीन है यार, पागल क्वीन। चलो कोई बात नहीं, चलो मैं माइनर देता हूं। थोड़े से माइनर मुझे बचाने हैं, एक मैंने माइनर इधर दे दिया है, थोड़ा सा उधर दे दिया ताकि साइड के लिए जाए, तब सेंटर में जाएगा। सेंटर में जा रहा क्या? अभी भी नहीं जा रहा सेंटर में। अच्छा अब जाएगा, 14 माइनर बचे हुए हैं मेरे। सेंटर में वैसे क्वीन चली गई है तो मैं वेस्ट नहीं करता हूँ, इधर माइनर दे देता हूँ। सेंटर में क्वीन चली गई वो काम कर देगी। डार्क ले लेगी, तो मेरा जो मेन पर्पस था वो पूरा हो गया, डार्क का पर्पस पूरा हो गया, मैंने डार्क ले लिया है। क्वीन सेंटर में है तो कोई लफड़ा है ही नहीं। थोड़ा सा और बच रहा है तो वो मैं देख लेता हूँ कैसे गेन करूँगा। भाई क्वीन मेरी बहुत ज़्यादा हिट खा रही यार, ओहो। तो मेरे को पूरा मिल जाएगा डार्क, पूरा मिल जाएगा लगता है, इनफ डार्क आ गया, पूरा आ जाएगा, 100% डार्क आ जाएगा। 3 स्टार नहीं होगा, और मैं मेरे को कोई वो भी नहीं है, मन भी नहीं है। देखो पूरा डार्क ले लिया मैंने, कंप्लीटेड। वैसे डिफेंस तो डाउन हो ही गया, 3 स्टार हो जाएगा मुझे लगता है। देखो क्या होता, वार्डन बचा हुआ है अभी तो। मेरी क्वीन सेंटर में क्वीन चलेगी इसलिए मैंने माइनर राइट साइड में छोड़ दिया, क्योंकि सेंटर में क्वीन तो ले ही लेगी सारा कुछ। भाई ट्रोजन वॉर ऑसम भाई, अभी अभी तो ट्रोजन वॉर नहीं चल रहा, अभी तो मैं दूसरे के क्लान में हूं। और जिन्होंने अच्छा बोला थैंक यू सो मच ब्रदर। बंडा हॉट दिखता है, बंदा हॉट दिखता है गूगल्स में। थैंक यू सो मच ब्रदर। तो SHI क्लैश, एक मिनट रुको यार, SHI क्लैश, थैंक यू सो मच फॉर, अभी मैं तेरा क्लैश देखता हूँ तेरा चैनल कैसा है। तो SHI क्लैश जो बंदा है वो मेहनत कर रहा, अच्छा मेहनत कर रहा, उसके व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। SHI क्लैश तुम्हारा मैं देख रहा हूँ वीडियो वीडियो, तुम अच्छा बनाते हो यार, काफ़ी बढ़िया मेहनत कर रहे हो यार। पॉपुलर अपलोड्स में तुम्हारा 8.4K व्यूज, नाइस। 3.4K व्यूज, नाइस। अच्छा तुमने बनाया यार, तुम वीडियो अच्छा बना रहे हो, तुम्हारा कंसेप्ट सही है ब्रदर। SHI क्लैश, कीप डूइंग इट SHI क्लैश, नड़िया। युवराज तुमार कैसे हो भाई? साहिल सिंह हेलो ब्रो। अभिषेक हेलो, आई लाइक योर गॉगल्स। आयुष थैंक यू सो मच। साहिल हेलो भाई। 1K एक की रिक्वेस्ट रिमूव करो ना भाई, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, अभी तो नहीं कर पाऊँगा, वीकेंड में कर दूंगा भाई। मैं आपको ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को पता है भाई, बहुत सारे लोगों का पेंडिंग है मेरे पास। अच्छा
अजमल भाई ने भेजा है, अंकित भाई ने, अरे अंकित पुंडरा भाई मैं आ जाऊंगा, लव योर, लव यू यार, थैंक्स यू शाउट आउट के लिए। अरे SHI क्लैश क्या बात करते हो यार, आई लव माई सब्सक्राइबर्स। और तुम अच्छा मेहनत कर रहे हो यार, तुम्हारे अच्छा चैनल है, तुम बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो और यू आर अ गुड गाय, तो इतना तो बनता है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ तुम लोगों के लिए। तो मैं हर हर स्ट्रीम पर एक लोगों का, एक बंदे किसी का चैनल मैं देखूंगा और रिव्यू करूंगा, जैसे बेस रिव्यू करता हूँ वैसे चैनल भी रिव्यू करूंगा। अगले क्लैन गेम्स की डिटेल भी मैं दे दूंगा। लव यू ब्रो, युवराज थैंक यू सो मच ब्रदर। कैसे देखें डेड बेसिस, देखो ऐसे देखें कि सर्च करें और तुम्हें लूट मिल जाएगी। देखो कितनी लूट मिली है मुझे, 836,000 सेकेंड वाली देखो, उसके बाद देखो 544,000 गोल्ड देखो, तो डेड बेस ऐसा ही मिलता। ट्रॉफी बहुत गेन हो रही है तो ट्रॉफी मेरे को लूज करनी होगी, लेकिन डेड बेस काफ़ी मिल रहा, अच्छा मिल रहा। क्रिस्टल लीग में आ जाओ, सर्च करो, तुम्हें डेड बेस मिल जाएगा। डेड बेस का तरीका यही है कि डिफेंस देखोगे तुम तो, अगर इन्फर्नो है तो इन्फर्नो ब्लैक हो रखा होगा, ईगल है तो ईगल में से काला धुआं निकल रहा होगा, और उसके कलेक्टर पूरे फुल होंगे, स्टोरेज नहीं कलेक्टर। भाई एक और चट्टू आ गया, आने दे भाई, आई एम ऑल्सो यूट्यूबर। अच्छी बात है भाई, मैं नेक्स्ट स्ट्रीम में कर दूंगा किसी और का। अरे शिवा वेलकम बैक ब्रदर, हाँ भाई सुपर लूट है। ड्रैको आप एक अच्छे आदमी हो, आई डू नो वाई पीपुल हेट यू। देखो ये तो पता, मेरे को भी नहीं पता कि वाई डू पीपुल हेट मी। तो जब सक्सेसफुल, अगर तुम्हें कोई क्रिटिसाइज कर रहा है ना, देन यू आर डूइंग समथिंग गुड। तुम्हें कोई क्रिटिसाइज कर रहा है ना तो तुम कुछ कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म मिलती है तुम्हें, तुम यू आर ट्राइंग, यू आर डूइंग गुड। अगर तुम ट्राई कर रहे हो किसी चीज़ में तो वो बहुत अच्छी बात है तुम्हारे लाइफ के लिए, तुम्हारे मोटिवेशन, तुम्हारे पैशन के लिए, जो तुम अगर कुछ कर रहे हो। तो मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि लेट देम क्रिटिसाइज, लेट देम हेट यू, बट यू डोंट स्टॉप। जो तुम्हारा एम है उसे पूरा करो, चाहे कोई कितनी अच्छी बात बोले, चाहे कोई कितनी अच्छी बुरी बात बोले, जो भी तुम्हें चाहिए वो अचीव करो। ड्रैको भाई एक बार मेरे क्लैन को, आऊँगा भाई आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा भाई। यू आर गुड, थैंक यू सो मच, अच्छे इंसान हो तुम, सच्चा हूँ, अच्छा अपने आप लग जाता हूँ। जो भी है सच सच है, कोई झूठ नहीं। क्लासेस तो उतार दो एक बात, इससे ज़्यादा नहीं उतर सकता, नहीं तो ड्रैको का स्वैग चला जाएगा। अच्छा मैंने स्ट्रीम स्टार्ट की थी उस समय मैंने ना चश्मा पहना था ना टोपी पहनी थी, तो फिर से रिपीट करके देख लेना जिसको देखना है। यू आर द बेस्ट इन यूट्यूबर। नहीं और भी बंदे हैं अच्छे अच्छे हैं, मैं अब इतनी जीत कर रहे हो तो मैं मान लेता हूँ कि मैं सबसे अच्छा बंदा हूँ और सबसे बड़ा बढ़िया यूट्यूबर हूँ। चलो मैं अपने से नहीं बोल रहा, अब तुम ही बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। ड्रैको भाई एक बार मेरे क्लैन में आ जाओ। अच्छा चलो नेक्स्ट बार तेरे क्लैन में आऊँगा मैं। अमितेश भाई तेरे को भी मैंने कितना टाला यार, 1.5-2 महीने से टाल रहा हूँ तेरे को अमितेश, तो मेरे को टैग दे दियो भाई अमितेश, कहीं इंस्टाग्राम या किसी पे दे दियो, मैं बुकमार्क कर लूँगा, आ जाऊँगा तेरे क्लैन में। एक दिन के बाद ही आ जाऊँगा मैं, कल ही आ जाऊँगा, आज मैं इसके पास रहूँगा, सुमन के पास, सुमन ने बहुत रिक्वेस्ट किया था भाई। राजीव चौधरी वेलकम भाई, भाई यू आर हैंडसम। प्रिया सिंह आई डोंट नो वेदर यू आर अ गर्ल और अ बॉय, लेकिन एटलीस्ट भाई तो मत बोलो, लड़की ओके। गुड लक, थैंक यू। ये क्या बात हुई भाई, यू आर हैंडसम। आई एम नॉट ऑन योर सोशल वेबसाइट, आई एम नॉट ऑन एनी सोशल, ओनली व्हाट्सएप, और मैं व्हाट्सएप पे नहीं हूँ, तो फिर हमारी मीटिंग कैसे होगी। तो यहीं टैग दे दे, मैं कॉपी कर लूँगा, क्लाइंट टैग दे दे अपनी, या फिर रिक्वेस्ट मार दियो नेक्स्ट टाइम। प्रिया सिंह बॉय, अच्छा ठीक है फिर चलेगा भाई। दो बज गए भाई, खाना खा लो, खा लूंगा भाई, रुक जाओ। ये 3 होगा कि नहीं ये बताओ, ये 3 स्टार होगा नहीं ये बताओ, होगा कि नहीं होगा, क्या लगता है तुम्हें? मुझे तो लगता है नहीं होगा, तुम्हें क्या लगता है भाई? क्लैन को प्रमोट कर दो प्लीज, फैन फ्रॉम नेपाल संदेश खाटीवाला। भाई कर दूंगा भाई, गोला उड़ा नहीं होगा, जितना होना था हो गया।
मैं जिस दिन बेस विजिट कर दूंगा उस दिन प्रमोशन कर दूंगा। प्ले पबजी ब्रो, पबजी भी खेलूंगा यार, अभी रुक जाओ। और ट्रूप्स मुझे मिल गए हैं लेकिन बूस्ट मेरा ख़त्म हो गया है। अभी क्वीन वॉक के लिए माइनर तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? क्वीन, तो क्वीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अटैक विदाउट क्वीन भी करके देखता हूँ मैं क्या होता है, ऐसे ही लूट करके देखता हूँ। रुक जाओ, डेड बेस मिल जाए मैं अटैक कर दूंगा उस पर। आह क्या लूट है, बहुत अच्छी लूट है इसमें। क्वीन वॉक को मारो गोली, चलो अटैक करते हैं। भाई साहब तो विजार्ड मैंने इसलिए लिए थे कि विजार्ड से ओहो विजार्ड मेरे मर गए क्या? मेरे को डार्क चाहिए, डार्क मिलेगा या नहीं ये बताओ। मिल जाएगा डार्क मैंने लूट कर ली डार्क विदाउट क्वीन ये बड़ा फनी अटैक हो गया, इसके सीसी बची हुई है इसकी। अच्छा पूरा डार्क आ गया, वाह ये मेरा लास्ट अटैक था। तो ऐसा करते हैं, जाने से पहले रेड मारते हैं मयंक वाईटी पे, ठीक है? मिल जाएगा, मिल गया डार्क। तो 150,000 के लगभग हो गया है मेरा डार्क, है ना? गर्ल्स स्ट्रिक्टली सेइंग दैट कॉल ड्रैको भाई एज अंकित, डोंट कॉल भाई। 5,000 D मिल गया मुझे। तो जाने से पहले ऐसा है ना कि हम रेड मार के जाएंगे एक बंदे पर, उस बंदे का नाम है मयंक वाईटी। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक वो सब्सक्राइब कर लो, थैंक यू सो मच ब्रदर, जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। आज का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है भाई बताओ, किसी का मत जाओ भूखे मरो कर दिया सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच ब्रदर। तो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब्सक्राइब कर लो। और हम अभी मारेंगे रेड किसी पर, किसी की वॉचिंग बढ़ाएंगे, किसी का व्यू बढ़ाएंगे, चलो है ना? CSK विल विन, यस ब्रदर, अटैक अच्छा लगा। हाँ भाई विदाउट क्वीन कर दिया ना, मैंने सोचा कि क्वीन वॉक के लिए क्वीन वॉक कर ही रहा हूँ, बेस आसान मिल जा रहा है, तो मैंने सोचा विदाउट क्वीन एक करता हूँ, करके देखता हूँ कैसा लगता है। तो विदाउट क्वीन कर दिया, ऐसे मैं 100% भी मार सकता हूँ। तो 5,000 5,000 5,000 तीन बार में मैंने टोटल 5,000 से ऊपर लगभग 15,500-16,000 मैंने डार्क कलेक्टर तीन बार में कलेक्ट किया है। और मेरे को कितना चाहिए डार्क ये बताता हूँ, और मेरे को चाहिए 1,60,000 है ना, नाइस। तो मेरे को ज़्यादा चाहिए नहीं, 12,000 और चाहिए, तो 2 से 3 अटैक में मेरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना? 2 से 3 अटैक में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट स्ट्रीम में क्या करूँगा, ठीक है? चलो भाई, चलो रेड मारते हैं, चलो रेड मारते हैं चलो ये जो मैंने लिंक दिया है ना, इस पर चलो। अब मैं स्ट्रीम बंद करूंगा तो चलो इस पर बात करते हैं, यहां बात करते हैं, इस पर जाकर ड्रैको लिखो, इस बंदे की हेल्प करते हैं, थोड़ा व्यू बढ़ाते हैं इसको, है ना? यहां जाओ और ड्रैको लिखो, सारे लोग जितने भी मेरे भाई लोग हैं।
कितना व्यू करवा सकते हैं, चलो इसका 100 पार करवा दिया जाए, 150 करवा दिया जाए व्यू, चलो इस लिंक पर। अब मैं ऑफ करने वाला हूँ ना, मैं खाना खाऊंगा उसे 5 मिनट बाद, 5 मिनट पहले इस पर वो कर देता हूँ। चलो मैंने लिंक दे दिया है, चलो भाई चलो 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 फटाफट यहाँ जाके डायरेक्ट लिखो, डोंट स्पैम, आई कैन स्पैम माई चैनल ब्रदर, दिस इज माई चैनल, गॉड डैम माई चैनल, यू कैन ऑल्सो स्पैम, दिस इज ऑल्सो योर चैनल, ये सबका चैनल है। चलो 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 यहाँ चलो, अब मैं स्ट्रीम ऑफ कर रहा हूँ, चलो वहां बात करते हैं, मिलते हैं, वहां जाकर ड्रैको लिखो, है ना, वहां जाकर ड्रैको लिखना, ड्रैको रेड लिखना, मैं आ रहा हूं वहां पर, अभी मैं यहां ऑफ करता हूं, है ना, यहां नहीं जो लिंक दी है उस पर चलो, चलो लव यू, अब मैं फिर आऊंगा लाइव स्ट्रीम करने, थैंक यू सो मच, लव यू टू।